हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑडियोवर्स एंशियंट गॉडली मोनार्क चैप्टर नौ 940 टू नौ आदित्य और किंगेर हवा में उड़ गए एक के बाद एक हुआ ताइक्सू जी किंगक्सुआन और जून मैंगचेन दिखाई दिए जो अपनी ओर उड़ रहे लोगों को घूर रहे थे जून मैंगचेन ने फिर कहा क्या समस्या है ज्योशाखा के वे पुराने सदस्य बहुत कमजोर हैं और फिर भी ट्विन स्टार्स एलायंस अपने पूरे संप्रदाय की ताकत को हम पांच के खिलाफ ले जाने की योजना बना रहा है आदित्य तुम लोग बहुत ढीठ हो जिओलिंग्यू का चेहरा ठंड से भर गया था पहले वह आदित्य से भगवान का हाथ छीनना चाहती थी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सुंदरता का उपयोग करने में संकोच नहीं करती थी अब किंगर को अपने बगल में देखकर वह तुरंत समझ गई कि उस समय की उसकी हरकतें इस आदमी के लिए एक मज़ाक के अलावा और कुछ नहीं थीं आदित्य ने कभी भी उसे उस रूप में नहीं चाहा था वह और सदाबहार अमर सम्राट की बेटी शुरू से ही प्रेमी रहे थे तो आप मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई और बहन को नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन मुझे शाखा में उन लोगों के साथ ऐसा करने की अनुमति नहीं है आदित्य ज्योलेंग्यू को घूरता रहा उसका चेहरा उसकी तरह ठंडा था उन्होंने फिर जारी रखा इसके अलावा आपकी शाखा से दर्जनों प्रतिभाओं के खिलाफ हम में से केवल पांच थे यह हर तरह से एक उचित लड़ाई थी और चूंकि उनके कौशल हमारे बराबर नहीं थे तो और क्या है कहो वास्तव में ज्योलेंग्यू मैं वह हूं जिसने आपको अधिक आका हो सकता है आपने वास्तव में लोगों को मेरे छोटे भाई और बहन का शिकार करने के लिए भेजा था तो सर्वोच्च सुंदरता अमर उद्गम रैंकिंग में छह स्थान पर इससे अधिक कुछ नहीं है यह अपना मुंह बंद करें जियो लेंगे से एक भयानक ठंड का इरादा फूट पड़ा उस समय तुम लोग दयनीय ढंग से मेरे जियो संप्रदाय में शामिल हो गए और हमने तुम्हें खतरे से बचाया लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम्हारा इतना छोटा दिल होगा परमेश्वर का हाथ प्राप्त करने के बाद तुरंत मेरे संप्रदाय को त्याग देना मैं जियो जियोलेंग्यू को अवश्य ही अंधे हो गए हैं आपको वास्तव में कोई शर्म नहीं है जी किंगज़वान अब और सुनना सहन नहीं कर सकता था यह जियो लेंग्यू उस कठोर सबक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी जो किंगेर ने उसे वापस सिखाया था और यहां तक कि खुद को सांत्वना देने की कोशिश की थी इस बात पर बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सही या गलत है इसका कोई मतलब नहीं है आदित्य ने बाहर कदम रखा और जारी रखा जियो लेंग्यू हमारे बीच की दुश्मनी उस बिंदु तक नहीं बढ़ी है जहां हम में से केवल एक ही रह सकता है यदि आपके पास इसे साबित करने की रीढ़ है तो क्या होगा कि हम इसे निपटाने के लिए आमने सामने लड़े हमेशा के लिए क्या आपको लगता है कि हमें आपके खिलाफ आमने सामने लड़ने की भी जरूरत है जुआन यांग से निकलने वाले हत्या के इरादे से क्षेत्र में बाढ़ आ गई जुआन जिनकी मृत्यु के कारण उसके और आदित्य के बीच की नफ़रत पहले से ही एक मौत की शिकायत बन गई थी वह आदित्य को कभी नहीं छोड़ेगा और किसी भी अवसर पर वह निश्चित रूप से आदित्य को मार डालेगा आप चाहते हैं कि आपके ट्विन स्टार्स एलायंस के सभी सदस्य हम पर हमला करें आदित्य ने जुआन यांग की ओर देखा और वह ठंडी हंसी कितना हास्यास्पद है क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ ऐसी शर्तों के साथ खेलूंगा किंगेर के स्थानिक खजाने के साथ अगर मैं अभी जाने का चुनाव करता हूं तो हमें कौन रोक सकता है हम ठीक यहीं रुके थे क्योंकि हम आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे जुआन यांग आप और जियो जियोलेंग्यू दोनों अमर उद्गम रैंकिंग में शीर्ष पर हैं यदि आप एक पुरुष हैं तो किंगैर और मेरे साथ टूंटू लड़े आदित्य की ये बातें सुनकर दर्शकों का दिल कांप उठा जब उन्होंने अंतरिक्ष की शक्ति पर किंग की महारत के बारे में सोचा तो वे सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके यहां इंतजार कर आदित्य और उसके साथियों ने कोई रिस्क नहीं लिया था अगर समुचा ट्विन स्टार्स एलायंस अपने सैकड़ों प्रतिभाओं और शक्तिशाली रूप से अमर उद्गम रैंकिंग में स्थान पाने वालों के साथ उनके खिलाफ एक साथ आगे बढ़ना था तो आदित्य और उनके चार अन्य साथी कैसे अपनी पकड़ बना सकते थे यह व्यर्थ था आदित्य ने यहां इंतजार किया था क्योंकि वह जुआन यांग और जियो जियोलेंग्यू के साथ मामला सुलझाना चाहता था वह दो के खिलाफ दो के साथ एक निष्पक्ष लड़ाई चाहता था सभी दर्शकों की निगाहें जुआन यांग की ओर मुड़ गईं यदि उसने मना कर दिया और अपनी भारी संख्या का उपयोग करना जारी रखा तो आदित्य तुरंत निकल जाएगा और यह सब व्यर्थ होगा और बाद में जुआन यांग को कायर करार दिया जाएगा आखिरकार उन्हें चार स्थान दिया गया था और जियो जियोलेंग्यू को छह स्थान दिया गया था किंगेर केवल पांच रैंक पर था उससे नीचे और जहां तक आदित्य की बात है तो वह केवल एक सौ रैंक पर थे और यहां तक कि अगर यह दो बनाम दो था तो उसे और जियो ज्योलैंगियों को पूर्ण लाभ होना चाहिए उसके पास इस लड़ाई को चकमा देने का कोई कारण नहीं था आदित्य ने एक लड़ाई का प्रस्ताव रखा था जिसे अस्वीकार करने के लिए जुआन यांग के पास कोई आधार नहीं था चूंकि जुआन यांग जुआन, जुआन जिन का बदला लेना चाहता था इसलिए उसे अपनी ताकत से ऐसा करना चाहिए यह उन दोनों के लिए एक उचित मैच होगा यदि वे अमर श्रेणी के हथियारों का उपयोग नहीं करते हैं यदि वे अपने अमर शस्त्रों का उपयोग करते तो यह पहले की तरह ही समाप्त हो जाता आदित्य उस तकनीक से अपनी जान जोखिम में डालेगा और दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और फिर से किंगर आदित्य को फिर से सुरक्षा में ले आएगा जुआन यांग ने इस पर विचार किया और जियो लेंग्यू की ओर रुख किया पहले जियो लेंग्यू ने किंगेर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अंत में वह हार गई थी इस बार अगर उन्हें लड़ना है तो उन्हें किंगेर के खिलाफ लड़ना होगा और आदित्य के साधना आधार के आठवें स्तर तक आगे बढ़ने के बावजूद यह स्पष्ट था कि जुआन यांग और जियोलिंग्यू दोनों के जीतने की संभावना अभी भी अधिक थी आदित्य का एकमात्र लाभ यह था कि उसने प्राचीन सम्राट यी भगवान के हाथ की गुप्त कला को समझ लिया था जियोलिंग्यू ने जुआन यांग को आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया उसके बाद दोनों ने आदित्य और किंडेर की ओर देखा जब वे एक साथ बाहर निकले अपने विरोधियों की ओर चल रहे थे जब आदित्य ने देखा तो वो और किंडेर भी आगे बढ़ गए चार स्वर्ग के चुने हुए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं वे सभी इस दुनिया में एक अद्वितीय आभा पैदा करते हुए हवा में उड़ गए चारों शिखर पर परम प्रतिभा संपन्न थे मैं किंगेर से निपट लूंगा मेरे लिए आदित्य को मार डालो और कोई दया मत दिखाओ जुआन यान ने अपनी आवाज जियोलैंग्यू को प्रेषित की वह चार रैंक पर था जो कि किंगेर से एक उच्च रैंक था जबकि जियोलेंग्यू पहले किंगेर से हार गया था उन्होंने अपनी प्रारंभिक योजना के साथ जाने का फ़ैसला किया किंगेर से लड़ने के लिए जबकि जियो जियोलेंग्यू ने आदित्य से निपटा समझ गया जियो जियोलेंग्यू ने उत्तर दिया जिस स्थिति में चारों खड़े थे सभी दर्शक जल्द ही जुआन यांग और जियो जियोलिंग्यू के इरादों को समझ गए कमजोर के खिलाफ किसी मजबूत का इस्तेमाल करना किंगेर के खिलाफ उच्च रैंक वाले जुआन यांग और जियो जियोलेंग्यू को आदित्य के खिलाफ जीतने में सक्षम होना चाहिए उस स्थिति में उन्होंने इस युद्ध में एक उल्लेखनीय लाभ प्राप्त किया और अंत सभी के देखने के लिए स्पष्ट था उन चारों ने अपने अपने नक्षत्र और आभा को छोड़ा जुआन यांग को देखते हुए सभी दर्शक अजेता की भावना महसूस कर सकते थे उनका नक्षत्र एक विशाल प्राचीन दर्पण था जो हवा में लटका हुआ था उनकी हेवनली मिस्टिक मिरर आर्ट सभी हमलों को प्रतिबिंबित कर सकती थी उन्हें हराना व्यावहारिक रूप से असंभव था दर्शकों ने इस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें नानफिंग युक्सी भी शामिल थे उससे नीचे के तीन शीर्ष रैंक वाले अब एक दूसरे से जूझ रहे थे प्राचीन सम्राटों के शहर में कई शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों के साथ लड़ाई होते देखना दुर्लभ था राजकुमारी किंगेर का तारामंडल बेहद शक्तिशाली होने के साथ साथ यह एक अंतरिक्ष आरेख है जिसमें विशाल मात्रा में स्थानिक ऊर्जा होती है वह शक्तिशाली स्थानिक ऊर्जा का उपयोग खुद को भीतर परिरक्षित और अजय बनाने के लिए कर सकती है यह भगवान का हाथ है दर्शकों ने एक बार फिर आदित्य को भगवान का हाथ सक्रिय करते देखा उसकी हथेली दे दीप्यमान दौड़ती हुई रोशनी से झिलमिला उठी उसे एक भगवान के अतुलनीय रूप से प्रभावशाली हाथ में बदल दिया उसके पीछे एक पवन चट्टान के पंख दिखाई दिए और उसका विशाल ढांचा दैत्य प्रकाश की परतों के साथ परिचालित हुआ उसकी भयानक रक्तरेखा की शक्ति उबल पड़ी और उसकी नसों में फैल गई जियो लेंगे ने अभिनय किया वह एक हथेली के साथ विस्फोट से बाहर निकल गई तुरंत पूर्ण फ्रीज ऊर्जा का उछाल प्रकट कर रही थी तुरंत अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा जम गया था और ठंड ने आदित्य और किंगर को भी जमने का खतरा पैदा कर दिया था किंगर ने एक सुनहरी शून्य मुट्ठी बाहर निकाली जिसने सब कुछ अलग कर दिया पूर्ण फ्रीज ऊर्जा के उछाल के माध्यम से टुकड़े टुकड़े कर दिया आदित्य ने भगवान के हाथ के रनिक घटकों का उपयोग करते हुए अपने हाथ में एक भयानक लंबा भाला धारण किया और जब आदित्य उससे टकराया तो एक निराकार भयानक ऊर्जा एक तूफान के समान सब कुछ तहसनहस करने लगी जुआन यान ने भी अभिनय किया उसने एक लंबा भाला निकाला और बिजली की गति से किंगेर की ओर झपटा उसके तारामंडल से सूक्ष्म प्रकाश उस पर झर रहा था इसका लगातार बढ़ता दबाव किंगेर पर उबाव हो रहा था जैसे ही आदित्य ने हमला किया जो लेंग्यू बाहर निकल आया उसकी जमी हुई तबाही फिंगर तकनीक ने आदित्य की ओर वार किया और तुरंत आदित्य को एक ठंडक भरी ठंड महसूस हुई जो उसकी ओर तेज़ी से बढ़ रही थी जो उसे अंदर से बाहर तक जमा सकती थी किंग रने जुआन यांग के भाले पर अपनी उंगलियों से हमला किया जैसे ही सुनहरी तलवारों की किरणें उभरी जुआन यांग पर निशाना साधा आदित्य के लंबे भाले ने अपना रास्ता जारी रखा यह भाला भगवान के हाथ का उपयोग करके बनाया गया था जिसमें ऐसी अविश्वसनीय शक्ति थी कि यह ठंड की ऊर्जा को बुझाने में कामयाब रहा जियो यू एक अद्वितीय सर्वोच्च शक्ति को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस कर सकता था भगवान का हाथ नानफिंग युक्सी की खूबसूरत आंखें पूरी तरह से आदित्य के हमले पर केंद्रित थीं शक्ति का विस्फोट बस चौंकाने वाला था और आदित्य की भाला कला में प्रवीणता के अलावा उनके हमलों की शक्ति पहले से ही उसी स्तर तक पहुंच गई थी जो आकाशीय घटना के नौवें स्तर के शिखर पर किसी के रूप में थी यदि उसका साधना आधार वास्तव में नौवें स्तर तक टूट जाता है तो वह परमेश्वर के हाथ को सक्रिय करने में वर्तमान से भी अधिक अत्याचारी होगा ठंड की लपटें बाहर निकली और जियोलिंग्यू के आसपास की ठंडक और तेज हो गई सीधे भाले को बर्फ में ढक दिया वास्तव में वह यहां तक कि भगवान के हाथ को बनाने वाले रनिक घटकों को फ्रीज करने का इरादा रखती थी आदित्य के शरीर में एक भयानक ठंडक दौड़ गई और एक ही पल में उसका आधा शरीर ठोस जम गया ज्योलिंग्यू ने हिनीकरण की ऊर्जा के नियम को समझ लिया है अमर्त्व का यह नियम अभी भी अपने प्रारंभिक रूप में है और वह इसके केवल अंशों को ही समझ पाई है लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त है कि वह आकाशीय घटना के स्तर पर लोगों का आसानी से वध कर सके जो अभी तक समझ नहीं पाए हैं किसी भी प्रकार की कानून ऊर्जा जब उसने इस दृश्य को देखा तो नानफिन यूसी ने चुपचाप विचार किया भले ही आदित्य के सामान्य हमले इतने मज़बूत हो गए थे कि वह जियोलैंग्यू के सामान्य हमलों के ख़िलाफ़ समान रूप से लड़ सकते थे फिर भी उनके पास कानून ऊर्जा की ज्योलेंग्यू की ठंडक शक्ति के क्षरण प्रभाव का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था ज्योलिंग्यू की आंखें ठंडक से चमक उठीं उनकी ककट की इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि वह आदित्य को भेज सकती हैं लेकिन उस क्षण दर्शकों ने देखा कि आदित्य का पूरा शरीर गुंजायमान होने लगा है और अचानक एक परम अद्वितीय ऊर्जा उसमें से निकली बर्फ ने उसके आधे शरीर को ढक रखा था तुरंत बिखर कर बिखर गया उसके परमेश्वर के हाथ ने विस्फोट करना जारी रखा जिसमें असीम सहास शक्ति थी जो एक ही बार से ज्योलिंगे को नष्ट करने में सक्षम था यह कैसे हो सकता है वह इसे समझ गया ज्योलिंग्यू की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठीं वह पूरी तरह चौंक गई वह समझ गई कि इस प्रकार की ऊर्जा को समझना कितना कठिन है हालांकि यह स्पष्ट था कि एक शक्तिशाली शक्ति आदित्य से विकीर्ण हो रही थी यदि यह उस प्रकार की ऊर्जा नहीं होती तो यह क्या हो सकती थी आदित्य की साधना दिव्य घटना के आठवें स्तर पर ही थी उसे पहले इस तरह की ऊर्जा के संपर्क में नहीं आना चाहिए था यह आदित्य का नहीं होना चाहिए चलो इसे एक बार और आज़माते हैं जियो जियोलिंग्यू की आंखों में ठंडक झलक रही थी और जब उसने आदित्य के लंबे भाले को फिर से वार करते हुए देखा तो उसने तुरंत बर्फ की एक मूर्ति बनाई उसके चारों ओर घूमते हुए कानून ऊर्जा का एक हड़ताली निशान चीख दे दीप्यमान भाला आगे की ओर उछला और सीधे बर्फ़ की मूर्ति में घुस गया जिससे दरारें दिखाई देने लगीं जियोलिंग्यू के हाव भाव में भारी बदलाव आया उसने अपने पहले के संदेह की पुष्टि की थी आदित्य ने अमर कानून ऊर्जा का एक अंश भी समझा था ज्योलिंग्यू को पीछे की ओर फेंका गया आदित्य के पीछे के पंख झिलमिला उठे जैसे ही उसने बिजली के सुनहरे बोर्ड की तरह उसकी ओर निशाना साधा मारना आदित्य ने दूसरे भाले से बार किया लेकिन फिर एक सफ़ेद रोशनी चमकी एक प्राचीन दर्पण को प्रकट करते हुए जैसे ही आदित्य का भाला चुप गया प्रभाव ने दर्पण को तुरंत चकनाचूर कर दिया लेकिन पलटाव के बल से आदित्य का हाथ कांपने लगा उसके भाले की शक्ति निष्प्रभावी हो चुकी थी सफेद रोशनी की वह चमक जुआन यांग के कारण हुई थी जो ज्योलिंग्यू के साथ लड़ रहा था जियोलिंग्यू इस अवसर को कैसे चूक सकता है वह उस समय चिल्लाई थी जब आदित्य की भाले की ऊर्जा ने उसे बेसर कर दिया था उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और ठंड ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया था बर्फ की मूर्ति के पूरी तरह से चकनाचूर होते ही गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं ज्योलिंग्यू ने अपनी बर्फ की मूर्ति के आत्मविनाश से प्राप्त शक्ति से प्रभावित होकर गुस्से में मुक्का मारा यदि एक सामान्य प्रतिभा को इस परिमाण के एक झटके से चोट लगती है तो उनके शरीर को बर्फ की मूर्ति के समान ही नुकसान उठाना पड़ेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के लिए जीत और हार का फैसला एक पल में किया जा सकता था आदित्य को जुआन यांग ने ब्लॉक कर दिया था जिससे जियोलेंग्यू को स्ट्राइक करने का मौका मिला अत्यधिक पाले का एक और उछाल उसके शरीर में घुस गया क्योंकि उसके आंतरिक अंग बर्फ में बदलने वाले थे जब जियोलेंग्यू ने मुक्का मारा तो आदित्य को इस बात का हल्का आभास हुआ कि उसका पूरा शरीर अंगिनत कणों में बदल रहा था जो कि फटने वाले थे यह एक भयावह अनुभूति थी इस समय आदित्य के चारों ओर घूमने वाली दौड़ की चमक तीव्रता में अधिकतम हो गई अजय दमनकारी दबाव की एक लहर आसमान से नीचे उतरी जैसे ही भगवान का हाथ एक बार फिर से सक्रिय हुआ उनके नक्षत्र ने एक तीव्र प्रकाश बिखेरा इस दबाव ने सारी बर्फ को तोड़ दिया क्योंकि वह जियोलेंग्यू की ओर एक और विनाशक भाले से वार कर बाहर निकल गया और शक्ति के दो स्रोत एक दूसरे के खिलाफ उन्मादी रूप से टकरा गए जाना आदित्य के हाथ में भाला फैल गया एक भाला जिसने आकाश को झकझोर दिया जिसने उसे बाधित किया उसे तोड़ दिया जब जियोलैंग्यू संघर्ष कर रही थी तो उसका भाला उसके हाथों से निकल गया और वह बार बार अपने परिवेश को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी उसके आसपास सब कुछ पूरी तरह से जम गया था लेकिन ठीक इसी क्षण स्थानिक ऊर्जा की एक बाढ़ आई जिससे सुनहरी रोशनी की एक मुठ्ठी प्रकट हुई जिसने जमी हुई जगह को तोड़ दिया यह उस समय हुआ जब आदित्य ने ज्योलेंग्यू की ओर अपना हमला शुरू किया जिसका चेहरा देखते ही राख हो गया बस ज्वान यांग ने जब यह देखा तो तुरंत मुड़े और किंगेर पर हमला कर दिया लेकिन उसने आदित्य को एक तरह से जवाबी कार्रवाई करते हुए देखा एक स्टार सीजिंग पाम इम्प्रिंट को सीधे उस पर निशाना साधते हुए यह स्टार सीजिंग पाम स्ट्राइक भगवान के हाथ से संचालित था और इसमें एक विनाशक शक्ति थी जो इसे अवरुद्ध करने वाले सभी को नष्ट करने में सक्षम थी जुआन यांग चिल्लाया हवा में कई दर्पण दिखाई दिए जैसे ही उसने अपनी स्वर्गीय रहस्यवादी दर्पण कला को उसकी सीमा तक सक्रिय किया आदित्य का हमला शीशों में फूट गया और एक भयानक पलटाव बल ने वापस मारा जिससे आदित्य की बाहें प्रभाव से सुन्न हो गई इसके तुरंत बाद जुआन यांग ने अपने दर्पण नक्षत्र के भीतर से एक भाला फूटते हुए अपना आश्चर्यजनक हमला किया अद्भुत कोई आश्चर्य नहीं कि जुआन यांग अमर उद्गम रैंकिंग में चार स्थान पर है उसकी प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक सौदा है उसकी स्वर्गीय रहस्यवादी दर्पण कला को तोड़ना बहुत मुश्किल है वास्तव में जुआन यांग के हमले इतने भयानक नहीं हैं लेकिन मिरर आर्ट की क्षमताएं कितनी अद्भुत हैं वह अपने विरोधियों के खिलाफ सभी हमलों को खुद ही पलट सकता है केवल एक व्यक्ति जो ताकत में उससे ऊपर है वह उसकी स्वर्गीय रहस्यवादी मिरर आर्ट को तोड़ सकता है लेकिन जाहिर है आदित्य ने अभी तक उस स्तर को हासिल नहीं किया है इसलिए जुआन यांग एक अजय स्थिति रखती है दर्शकों ने लड़ाई को देखते हुए चुपचाप विचार किया जुआन यांग को हराना बहुत कठिन चुनौती थी हालांकि यह केवल आमने सामने की लड़ाई नहीं थी यह एक तीन लड़ाई थी आदित्य स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि जुआन यांग की दर्पण कला को तोड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा इस समय आदित्य हवा के झोंके की तरह था तेज़ी से पीछे की ओर घूम रहा था क्योंकि उसने पीछे हटने का फ़ैसला किया था उसके सामने एक शक्तिशाली स्थानिक चित्र दिखाई दिया जो पागलों की तरह घूम रहा था जैसे ही जुआन यांग का भाला सीधे उसमें घुसा वह भाला पूरी तरह से स्थानिक आरेख में समाहित हो गया और शून्य में ले जाया गया जिससे वह पूरी तरह से समाप्त हो गया यह कहा जा सकता है कि आदित्य और किंगेर के बीच सही तालमेल था किंगर ने आदित्य को स्ट्राइक ब्लॉक करने में मदद की और जियो जियोलेंग्यू के सफलतापूर्वक पीछे हटने के बाद आदित्य ने तुरंत हमला कर दिया जियो जियोलेंग्यू शुरू में आदित्य को मारना चाहता था और फिर किंगेर से निपटने के लिए जुआन यांग के साथ शामिल होना चाहता था लेकिन आदित्य के हमले के कारण वह बाधित हो गया था वह और जुआन यांग पूरी तरह से अलग हो गए थे उनके बीच किंगैर और आदित्य उनके पास अपने हमलों का समन्वय करने का कोई तरीका नहीं था राजकुमारी किंगैर और आदित्य किसी भी तरह से जुआन यांग और जियो लेंग्यू से कम नहीं है अगर वे वास्तव में इस लड़ाई को जीत सकते हैं तो ट्विन स्टार्स एलायंस की प्रतिष्ठा जमीन पर गिर जाएगी दर्शकों ने सोचा अभी नया ट्विन स्टार एलायंस पुराने गठबंधन और जियो संप्रदाय के बीच एक मिलन था जिसमें नए जुड़वा सितारे अब जुआन यांग और जियो लेंग्यू हैं यदि वे यहां हार गए तो प्राचीन सम्राटों के शहर में इस तथाकथित नंबर एक शक्ति की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से धूमिल हो जाएगी दर्शक देख सकते थे कि चारों के बीच लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही थी आदित्य और जियो लेंग्यू ने हमले के लिए हमले का व्यापार किया जबकि राजकुमारी किंगर ने नरम तरीका अपनाने का विकल्प चुना और इसके बजाय जुआन यांग के हमलों को बेअसर कर दिया जुआन यांग के दर्पण को तोड़ने में अत्यधिक कठिनाई के कारण उसने रक्षात्मक रुख अपनाया वह कभी कभार आदित्य के साथ पोजीशन बदल लेती थी और जियो लेंग्यू पर घात लगा लेती थी राजकुमारी किंगर ने स्थानिक ऊर्जा के अपने लाभ का पूरी तरह से उपयोग किया और यह देखते हुए कि आदित्य की गति मूल रूप से जियो लेंग्यू की गति से तेज थी जियो लेंग्यू की स्थिति समय बीतने के साथ साथ बदतर और बदतर होती गई आदित्य तुम वास्तव में नीच हो एक पुरुष के रूप में तुम युद्ध करने के लिए एक महिला की मदद पर निर्भर हो जियो लेंगे ठंडे दिमाग से बहस करते हैं उसने उन सभी कौशलों को उजागर किया जो वह करने में सक्षम थी फिर भी उसके पास आदित्य को हराने के लिए भगवान के हाथ को नष्ट करने का कोई रास्ता नहीं था उसके दिल में पहले से ही अधीरता का संकेत था इसलिए उसने जानबूझकर उसे अपना आपा खोने के लिए उकसाने की कोशिश की हालांकि ज्योलेंगियों ने प्रतिक्रिया में केवल आदित्य को ठंडी हंसी में देखा यह हंसी उसका उपहास करने लगती थी और जैसा कि आदित्य ने अपने हमलों को जारी रखा उसने जवाब दिया जो ज्योलिंग्यू जो हास्यास्पद है वह यह है कि अमर उद्गम रैंकिंग के छह रैंकर के रूप में आपके पास केवल थोड़ी सी ताकत है अब हमारी लड़ाई समाप्त होने का समय आ गया है मैं तुम्हें परमेश्वर के हाथ की सच्ची शक्ति दिखाएगा जैसे ही उनकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी असीम प्रकाश उनकी हथेली से झिलमिला उठा अतुलनीय रूप से दे दी टेमान अंगत रन पागलों की तरह घूमते थे और कौन जानता था कि वह हथेली किस भयानक आपदा में सक्षम थी ऐसा लगा जैसे भीतर संघनित ऊर्जा की संपूर्णता एक ही बार में मिटने के करीब थी जियो जियोलिंग्यू ने सदमे से आदित्य की हथेली को देखा उसने देखा कि बेठहाशा घूमने वाली दौड़ आपस में मिल जाती है फिर तेजी से एक भंबर में घूमती है जो आसपास की सारी ऊर्जा को उन्मादी रूप से खा जाती है हथेली के सामने एक भयानक विनाशकारी तूफान प्रकट हुआ इतना शक्तिशाली कि ज्योलिंग्यू का दिल अनजाने में कांप उठा वापस जब आपके भगवान का हाथ नष्ट हो गया था तो आप एक दूसरे को फिर से इकट्ठा करने में सक्षम नहीं थे आप मूल रूप से भगवान के हाथ की शक्ति को ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं जियो ज्योलेंगू ने आदित्य को देखा आप सही कह रहे हैं लेकिन इसका क्या भगवान का हाथ बहुत लंबे समय तक अपनी चरम युद्ध स्थिति को बनाए रख सकता है युद्ध समाप्त होने के बाद मैं भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर सकता हूं लेकिन भगवान के हाथ का एक और नाम है देवत्व का हाथ इसकी एक और विशेष विशेषता है यह दिव्यता के स्तर पर अपनी शक्ति को उजागर कर सकता है एक सच्चे युद्ध प्रकार के भगवान का हाथ बन सकता है आदित्य ने कहा जिसके बाद उसका सिलहूट आगे बढ़ा उसने अपनी हथेली उठाई और उसे जियोलैंग्यू की ओर उड़ा दिया अगले ही पल दिव्यता की एक अतुलनीय रूप से विशाल तार आकाश से गिरी जिसमें एक अद्वितीय शक्ति थी जिसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी इस तरह की शक्ति ने जियोलैंग्यू को पूरी तरह से असहाय महसूस कराया उसने अपना सिर पीछे फेंक दिया और एक स्वर्ग टूटने वाली चीख निकाली क्योंकि असीम ठंड आगे बढ़ी कई बर्फ़ के पहाड़ों में तब्दील हो गई जो दिव्यता की उस विशाल हथेली की शक्ति को रोकना चाहती थी हालांकि एक भयानक गगनभेदी ध्वनि ने हवा को हिला दिया और सभी बर्फ के पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गए इतना ही नहीं देवत्व की हथेली प्रकाश की तरह तेजी से चली अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया बूमद एक गड़गड़ाहट की आवाज निकली जियोलिंग्यू राक्षसी हथेली से टकरा गया दर्शकों ने उसके नीचे जमीन पर एक विशाल ताड़ के आकार का एक गहरा गड्ढा देखा अगले ही पल जियो ज्योलिंग्यू को पीछे की ओर फेंका गया और निर्दयता से जमीन पर पटक दिया गया जिससे वहां मौजूद सभी गड्ढा बने गड्ढों को घूरने लगे यहां तक कि किंगेर और जुआन यांग ने अपनी लड़ाई को रोक दिया दोनों ने अपनी दिशा पर नज़र डाली गड्ढा जम गया था बर्फ़ से लिपटा हुआ था एक सर्द ऊर्जा वातावरण में व्याप्त हो गई और एक क्षण बाद खांसने की आवाज़ निकली स्पष्ट कठिनाई के साथ एक आकृति धीरे धीरे गहरे गड्ढे से बाहर निकली क्योंकि उसके होठों के कोनों से लगातार ताज़ा खून बह रहा था ज्योलिंगयू ने अपना सिर झुकाया हवा में खड़े आदित्य को घूरते हुए उसकी आंखों में निराशा के भाव थे किंगेर से उसकी हार के बाद जो उस समय उसके ऊपर एक रैंक थी अब वह आदित्य द्वारा इस तरह के दबंग तरीके से हार गई थी यह युवक जिसे एक बार उसके द्वारा अपने जियो संप्रदाय में भर्ती किया गया था यह सब उसे सम्राट ये के प्राचीन महल तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देने के उद्देश्य से था क्योंकि वह भगवान के हाथ की विरासत को खोजना चाहती थी उन्होंने विरासत को ठीक पाया था लेकिन उन सभी में से केवल आदित्य ही थे जो अंत इसे समझने में कामयाब रहे उसे कोई अन्य लाभ नहीं मिला था और आज आधे साल बाद आदित्य उस बहुत ही गुप्त कला पर निर्भर था जिसे उसने उसे खोजने के लिए भर्ती किया था भगवान का हाथ उसे इतने भारी तरीके से हराने के लिए यह कैसी विडंबना थी जियो व्योलिंगयु वास्तव में आदित्य से हार गया था सभी दर्शकों के चेहरे खिल गए आदित्य जिसने भगवान का हाथ प्राप्त किया था पहले से ही प्राचीन सम्राटों के शहर में उल्कापिंड वृद्धि का अनुभव करने के लिए नियत था उसकी हथेली के चारों ओर की चमक धीरे धीरे कम हो गई यद्यपि उसके परमेश्वर का हाथ अभी भी सक्रिय था वह पहले जैसा दीप्तिमान नहीं था जुआन यांग का चेहरा ठंडा पड़ गया उनका सिलहूट झिलमिलाता हुआ सीधे आदित्य पर बरस पड़ा भगवान के हाथ के बिना आदित्य अब भी उनके हमलों का सामना कैसे कर सकता था भले ही उसका साथी हार गया था इसका मतलब यह नहीं था कि लड़ाई खत्म हो गई थी हालांकि किंगेर ने टेलीपोर्ट किया और जुआन यांग के सामने सीधे पेश हुआ जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया उसकी स्थानिक ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी और उसने जुआन यांग को आसानी से रोक दिया हालांकि उसके पास जुआन यांग की दर्पण कला को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था जुआन यांग उसे भी नहीं हरा सकती थी जब दर्शकों ने उनके बीच की लड़ाई देखी तो उन सभी ने महसूस किया कि अमर उद्गम रैंकिंग में चार और पांच रैंक करने वालों के बीच वस्तुतः कोई अंतर नहीं था अपने स्वर्गीय मिस्टिक मिरर आर्ट द्वारा समर्थित जुआन यांग को हराया नहीं जा सका हालांकि उसके हमले भी किंगेर पर हावी होने के लिए पर्याप्त नहीं थे आदित्य ने पहले ही देख लिया था कि ऐसा होगा वह एक बार पहले जुआन यांग के साथ लड़ चुका था और इसलिए वह जुआन यांग की ताकत और कमजोरियों के बारे में स्पष्ट था अभी वह जुआन यांग की ओर अपना रास्ता बना रहा था लेकिन इस समय ट्विन स्टार्स एलायंस के कई विशेषज्ञ उसकी ओर दौड़ने लगे जैसे कि वे अब निष्क्रिय रूप से देखना जारी नहीं रख सकते क्या आप हारने का जोखिम नहीं उठा सकते आदित्य ने ठंडेपन से बात करते हुए ट्विन स्टार्स एलायंस के सदस्यों पर अपनी नजरें गड़ा दी जिससे वे अपने कदमों में रुक गए उन्होंने आदित्य को बर्फीली निगाहों से देखा और उनमें से कई जियो लेंग्यू के क़रीब आ गए उसकी देखभाल करने की तैयारी कर रहे थे अभी क्या हुआ इस समय आकाश से एक आवाज उतरी एक आकृति को हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता था जो एक अतुलनीय भव्यता का परिचय दे रही थी उससे एक अकथनीय आचरण निकला और उसकी आभा न तो तेज़ थी और न ही अत्याचारी हालांकि उनकी उपस्थिति ने सभी को उनसे हीन महसूस कराया उन्होंने अनौपचारिक तरीके से बात की लेकिन उनकी आवाज़ में अधिकार का एक निर्विवाद सूत्र था हर कोई हवा में आकृति को देखने के लिए मुड़ा उनके चेहरे सख्त हो गए यह वो था यह सोचने के लिए कि वह वास्तव में यहां था इस वक्त वहां मौजूद लगभग सभी लोग आसमान से उतरे युवक को घूर रहे थे इससे आदित्य के चेहरे पर हैरानी झलक उठी यह युवक निश्चित रूप से कोई असाधारण व्यक्ति होगा यहां तक कि नानफेंग युक्सी की उपस्थिति ने भी दर्शकों की इस प्रतिक्रिया की गारंटी नहीं दी थी आदित्य कुछ अंदाजा लगा सकता था कि यह कौन है पहले से मौजूद तीन परम सुंदरियों से अधिक प्रसिद्ध और कौन हो सकता है दो ही लोग हो सकते थे यह युवक निश्चित रूप से अमर उद्गम रैंकिंग में शीर्ष दो रैंकरों में से एक था हालांकि उनका व्यवहार आकस्मिक लग रहा था हर कोई स्पष्ट रूप से उस अधिकार को महसूस कर सकता था जो उसने विकीर्ण किया था जी दोयांग वायलेट सम्राट का बेटा आदित्य ने चुपचाप सोचा यह जेडाई दाओयांग अमर उद्गम रैंकिंग का शीर्ष रैंकर था माना जाता है कि वह प्राचीन सम्राटों के शहर में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था इस मामले में जब उन लोगों के लिए जो आकाशीय घटना क्षेत्र में थे पूरे अमर लोगों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें वास्तव में शीर्ष एक या दो के रूप में माना जा सकता था लेंग्यू क्या तुम ठीक हो जडाए दाओयान ने आदित्य की ओर देखने से पहले ज़मीन पर पड़े घायल जियोलैंग्यू को देखा दाओयान गेगे हालांकि जियोलैंग्यू घायल हो गया था फिर भी वह अपनी आवाज़ में सौम्यता के साथ उसे बुलाने में कामयाब रही उसकी सुरीली आवाज़ उपस्थित लगभग हर पुरुष की आत्मा को झकझोर सकती थी जिससे वे सभी अपने दिल में अवाक रह जाते थे यह असमानता थी हालांकि यहां हर कोई जीनियस था फिर भी उनके बीच की दूरी बहुत अधिक थी ऐसे अनगिनत लोग थे जो जियो लेंगे का पीछा करना चाहते थे लेकिन कोई भी कभी सफल नहीं हुआ था हालांकि जिस क्षण जी डावयान दिखाई दिए जो ज्योलेंग्यू ने वास्तव में कोमल स्वर में इतने प्यार से पुकारा था उसे डावयान गीगे कहते हुए जो लोग जियो जियोलेंग्यू का पीछा कर रहे थे वे यह सुनकर अपने दिल को उदास महसूस करने से रोक नहीं पाए और मौके पर ही राख में गिर गए जडाएं दावयांग के लिए इस तरह के तरजीही व्यवहार ने उनके दिलों को ठंडा कर दिया हालांकि जब उन्होंने जी डौयांग को देखने के लिए अपना सिर झुकाया तो वे अपने सिर को हिलाने और अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके कोई आश्चर्य नहीं कि जियो लेंग्यू इस तरह का व्यवहार कर रहा था यह व्यक्ति था जी डोयांग भले ही तुम एक परम सुंदरी हो यदि तुम्हारा रुतबा काफी ऊंचा नहीं होता तो तुम उसके मित्र होने के योग्य भी नहीं होते मुझे आशा है कि आप बहुत अधिक घायल नहीं हैं जी डोयांग ने पूछा जियो जियोलिंग्यू ने हल्के से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया दाओयांग गेगे क्या आप बंद दरवाजे के एकांत में नहीं थीं आज आप यहां आने के लिए स्वतंत्र क्यों हैं मैंने ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट के अंडरवर्ल्ड पहाड़ों में अपनी विरासत को पीछे छोड़ने की खबर के बारे में सुना इसलिए मैंने योजना से पहले अपने एकांतवास से बाहर आने का फैसला किया जी डौयांग ने उत्तर दिया जिसके बाद उन्होंने नानफेंग यूंगसी की ओर अपनी नज़रें फेरी और हंसे दक्षिणी फीनिक्स कबीले के वंशज वर्तमान महारानी राजकुमारी नानफेंग की बेटी अब जब हम मिल चुके हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपने वास्तव में जीवन जिया है आपकी प्रतिष्ठा आप ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट के बारे में समाचार पर भी विश्वास करते हैं नानफिंग यूंगसी ने जी डाओयान पर नजर डालते हुए सवाल किया मुझे विश्वास था क्योंकि मुझे पता है कि एक व्यक्ति है जो अंडरवर्ल्ड पहाड़ों में प्रवेश कर चुका है और वह पहले से ही वहां काफी समय तक रह चुका है मुझे विश्वास नहीं होता कि वह वहां बस मर जाएगा जी डाओयान मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया उनके शब्दों ने नानफिंग यूंगसी के चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई क्या आप उसे कह रहे हैं ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो ज़ी डॉयान को नोटिस करा सकें प्राचीन सम्राटों के शहर की संपूर्णता में कुछ ही गिने चुने लोग थे और चूंकि जी डायान ने कहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसने इसमें प्रवेश किया था यह स्पष्ट था कि यह कोई एक ऐसा पात्र होगा जो लंबे समय से प्राचीन सम्राटों के शहर में दिखाई नहीं दिया था जब दर्शकों ने उनकी बातचीत सुनी तो उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल कांप रहा था क्योंकि उन्होंने तुरंत उस उसका अनुमान लगा लिया था जिसके बारे में जी डाओयांग और नानफेंग युक्सी दोनों बात कर रहे थे जी दोयांग शीर्ष स्थान पर थे जबकि नानफेंग युनक्सी तीसरे स्थान पर थे यह स्पष्ट था कि जिस व्यक्ति का वे जिक्र कर रहे थे वह उनके बीच का एक चरित्र था अमर उद्गम रैंकिंग का दूसरा रैंकर एक अत्यंत निर्दयी व्यक्ति था किसने सोचा होगा कि वह अंडरवर्ल्ड के पहाड़ों में गायब हो जाएगा प्राचीन सम्राटों के शहर में एक वर्जित मैदान उसके अलावा यह और कौन हो सकता है वह मुझे हराने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था और अमर स्वर्गारोहण रैंकिंग का शीर्ष स्थान प्राप्त करना चाहता था इसलिए उसने सौभाग्य की खोज के लिए अंडरवर्ल्ड पर्वतों में प्रवेश किया ईमानदारी से वह हो सकता है खुद के प्रति इतना निर्मम और अब जबकि ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत होने की खबर है अगर वह वास्तव में वह व्यक्ति है जो इसे प्राप्त करने में कामयाब रहा है जी डॉय की आंखों में तेज की एक चमक चमक उठी प्राचीन सम्राटों के शहर में केवल वही व्यक्ति जो उसे घबराहट का एक निशान महसूस करा सकता था वह कोई और नहीं बल्कि अमर उद्गम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति था आदित्य और किंगेर ने पहले अंडरवर्ल्ड पहाड़ों में कदम रखा था लेकिन वे किसी जीवित इंसान से नहीं मिले थे जी डाउयान ने जो कहा था उससे ऐसा लगता था कि अंडरवर्ल्ड पर्वतों के भीतर दूसरे रैंकर को गायब हुए काफी समय हो गया था उस मामले में क्या इसका मतलब यह था कि उसने भी छिपे हुए पहाड़ों के बीच की खाई को पार कर लिया था क्या होगा अगर लिटिल रास्कल पहले से ही इस आदमी का सामना कर चुका है यह सोचकर आदित्य के दिल में चिंता छा गई लिटिल रास्कल ने महसूस किया कि कुछ उसे बुला रहा है और यह एक संकेत होना चाहिए कि सौभाग्य उसका होगा यही वजह थी कि आदित्य ने लिटिल रास्कल को वहां रहने दिया था लेकिन अब वह नन्हे बदमाश की सुरक्षा की चिंता किए बिना नहीं रह सकता था इस समय जी दोयान की नजर किंगेर पर गई जो आदित्य के पीछे खड़ा था फिर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया लिलसिस किंगर जैसे ही उनकी आवाज की आवाज़ फीकी पड़ी कई दर्शकों के चेहरे पर रुचि के भाव दिखाई देने लगे ज्योलेंग्यू ने जी डोयान को डावयान गीगे के रूप में संदर्भित किया लेकिन जी डोयान ने एक उत्साहीन लेंग्यू के साथ उत्तर दिया था उन्होंने नानफेंग यूंगसी को राजकुमारी नानफेंग के रूप में संदर्भित किया लेकिन किंगेर से बात करते समय उन्होंने वास्तव में उसे लिल्सिस किंगर कहा तीनों परम सुंदरियों को अलग अलग ढंग से संबोधित किया गया यह जियो लेंग्यू के लिए परिचित था नानफेंग यूक्सी के सौजन्य से और किंगर को संबोधित करने के लिए उन्होंने कैसे चुना इस संबंध में निकटता का एक संकेत था जिस क्षण वे पहुंचे उन्होंने तुरंत प्राचीन सम्राटों के शहर की तीन सर्वोच्च सुंदरियों के साथ आकस्मिक बातचीत की ऐसा आत्मविश्वास किसी और के पास नहीं था आखिरकार इन तीन सर्वोच्च सुंदरियों को अमर उद्गम रैंकिंग में शीर्ष दस में स्थान दिया गया हालांकि दर्शकों ने राजकुमारी किंगेर के चेहरे पर केवल दुख की झलक देखी क्योंकि उसने जी डोयान को ठंडेपन से देखा अंकल एवरग्रीन अक्सर मेरे निवास पर अतिथि के रूप में आते हैं वह मेरे शाही पिता के लिए एक छोटे भाई की तरह हैं और मैंने लंबे समय से अंकल एवरग्रीन को अपनी बातचीत में आपका उल्लेख करते हुए सुना है यह सिर्फ इतना है कि हम अभी तक मिलने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं थे अब कि हमने प्राचीन सम्राटों के शहर में एक दूसरे का सामना किया है मैं आपको एक नजर में पहचानने में कामयाब रहा वैसे भी मैं आपसे बड़ा हूं और हमारे पिता के बीच संबंध को देखते हुए यह शीर्ष पर नहीं है आपको छोटी बहन कहने के लिए तो ग्लिस किंगेर अपराध मत करो ठीक है यह आपके पिता ने मुझसे एक अनुरोध किया था और उन्होंने मुझे आपकी देखभाल करने के लिए भी कहा था जब हम प्राचीन शहर में हैं सम्राट हालांकि लिल्सिस किंगर की ताकत को देखते हुए शायद मुझे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है जी दोयांग मुस्कुराया यदि किसी अन्य व्यक्ति ने किंगेर को इस तरह से संबोधित किया होता तो हर कोई यह मान लेता कि वह व्यक्ति जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था या शायद वे मौखिक रूप से उस पर सद्भावना थोप रहे थे हालांकि जब जेडाय दाओयांग ने कहा तो यह केवल स्वाभाविक लगा अमर सम्राट के स्तर के लोगों के बीच के संबंध अत्यंत जटिल थे ये कनिष्ठ उनके तरीके कैसे समझ सकते थे लेकिन यह सच था कि वायलेट सम्राट अमर क्षेत्रों के भीतर एक बहुत शक्तिशाली अमर सम्राट था और कई अमर सम्राट थे जिन्होंने उसका अनुसरण करना चुना था सदाबहार अमर सम्राट के लिए वायलेट सम्राट को बड़े भाई के रूप में संबोधित करना कोई अजीब बात नहीं थी कृपया सीधे मेरा नाम बोलें किंगेर ने ठंडेपन से कहा जडाए दावयांग ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया जरूर यह कोई समस्या नहीं है भविष्य में एक बार जब आप प्राचीन सम्राटों के शहर को छोड़ देते हैं और आप अपने आप को कुछ खाली समय पाते हैं तो आप किसी भी समय मेरे निवास पर आ सकते हैं शाही पिता किंगेर ने जवाब नहीं दिया जी डौयांग की नजरें फिर से आदित्य और जुआन यांग की ओर मुड़ गईं उसने सबसे पहले जुआन यांग से बात की हम सभी यहां परिचित हैं इसलिए लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है जुआन यांग मुझे कुछ चेहरा दें और इस लड़ाई को रोक दें लिंग्यू और आपके क्विन स्टार्स एलायंस को अपने साथ वापस लाएं जुआन यांग का चेहरा कठोर हो गया देखने में बेहद भद्दा हो गया ऐसा लग रहा था कि जेडाय दाओयांग जानबूझ कर दुनिया को दिखा रहा है कि उसका किंगे के साथ घनिष्ठ संबंध था उस स्थिति में क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसे जुआन यांग को अपने छोटे भाई जुआन जिनका बदला लेने की योजना छोड़नी पड़ी क्या जी डोयान ने जुआन यांग के चेहरे पर भारी अभिव्यक्ति देखी और भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका चूंकि आपने पूछा है तो मैं इस लड़ाई को छोड़ दूंगा हालांकि आदित्य ने जियो शाखा से इतने सारे लोगों को घायल कर दिया है और यहां तक कि लेंग्यू को भी घायल कर दिया है हम इसे इस तरह कैसे समाप्त कर सकते हैं जुआन यांग ने बोलते हुए जी डोयांग को घूर कर देखा हालांकि जुआन यांग को प्राचीन सम्राटों के शहर में चार स्थान दिया गया था और वह स्वयं एक अत्यंत प्रसिद्ध चरित्र था फिर भी जब उसने इसके लिए कहा तो उसे जी डोयांग का चेहरा देना पड़ा ताक़त या हैसियत के बावजूद उनकी तुलना जी डोयांग से नहीं की जा सकती हालांकि प्राचीन सम्राटों के शहर में कई लोग अमर राजाओं या सम्राटों के वंशज थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पूर्ववर्तियों के बीच ताकत में अंतर नहीं था जडाई दावयान के पिता एक सर्वोच्च शक्तिशाली अमर सम्राट थे जिनके नियंत्रण में अन्य अमर सम्राट भी थे वायलेट सम्राट जुआन सम्राट की तुलना में एक स्तर अधिक मजबूत था और यही कारण भी था कि जियो सम्राट ने उस समय किंगेर के लिए चीज़ों को कठिन बनाने की हिम्मत नहीं की थी किंगेर का समर्थन करने वाले चाहे वह सदाबहार अमर सम्राट हो या मातृसत्ताजी वे सभी खुद से ज्यादा मजबूत थे और सही में उन्हें युवा पीढ़ी से संबंधित मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था अगर उन्होंने अभिनय किया और किंगेर के लिए चीजों को कठिन बना दिया तो सदाबहार अमर सम्राट और मातृसत्ताजी निश्चित रूप से इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे जुआन यांग के शब्दों को सुनने के बाद जी दोयान ने अपनी निगाहें वापस आदित्य की ओर घुमाई फिर उन्होंने कहा जुआन यांग का अनुरोध अनुचित नहीं है क्योंकि आपने लेंग्यू को घायल कर दिया है और मैंने पहले ही जुआन यांग को इस लड़ाई को छोड़ने के लिए कह दिया है तो आप लेंग्यू से माफी कैसे मांग सकते हैं आदित्य ने अमर उद्गम रैंकिंग के इस शीर्ष रैंकर जेडाइ दाओयांग को घूर कर देखा वर्तमान में उन्हें अभी भी यह समझ में नहीं आया कि जी दोयान एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए यहां क्यों आना पसंद करेंगे जैसे कि वह चाहते थे कि हर कोई उन्हें अपना चेहरा दे क्या यह विशुद्ध रूप से सिर्फ यह दिखाने के लिए था कि वह कितने उदार थे जडाए दाओयान की हैसियत को देखते हुए ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी आदित्य का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था वह वास्तव में जी डोयान को पसंद नहीं करता था हालांकि उन्होंने इसे खुले तौर पर किया था लेकिन आदित्य ने जी डोयान को लिल्सिस किंगर शब्द कहते हुए सुनकर वास्तव में दुखी महसूस किया इसके अलावा जी डोयान ने जुआन यांग को हार मानने और फिर उसे माफी मांगने के लिए कहने के लिए क्या योग्य बनाया आदित्य और जुआन यांग नश्वर दुश्मन थे जियोलेंगयू को हराने के बाद यह जी डाओयांग अब जबरन इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा था जाहिर था कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल यहां हर किसी पर अपना दब्बा कायम करने के लिए करना चाहता था अगर यह जी डाओयांग के अलावा कोई और होता तो क्या जुआन यांग ने समझौता किया होता मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए आदित्य ने अपना सिर उठाया सीधे जी डोयांग को देखा सभी दर्शकों की आंखें नम हो गईं आदित्य के सामने यह युवक कोई और नहीं बल्कि अमर उद्गम रैंकिंग के शीर्ष रैंक वाले जी डाओयांग थे यहां तक कि जुआन यान भी एक समझौते के लिए सहमत हो गया था फिर भी आदित्य वास्तव में उससे कारण पूछ रहा था हर कोई स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि इसका कारण जी डोयान की अत्यधिक ताकत थी आप जानना चाहते हैं क्यों जी डोयान मुस्कुराया यद्यपि आपने भगवान का हाथ प्राप्त किया सम्राट यी की खोई हुई गुप्त कला और लिंग्यू को भी हरा सकते थे लेकिन आप में अभी भी मुझसे लड़ने की ताकत की कमी है भले ही आप सेलेस्टियल फेनोमेनन में नौवे स्तर तक पहुंच गए हों हाहा हाँ आदित्य ठंडेपन से मुस्कुराया क्या मैंने यह नहीं कहा था कि प्राचीन सम्राटों के शहर में शक्ति सही हो सकती है एक विजेता को कभी हारने वाले से माफी मांगनी पड़ती है यदि आप अपनी ताकत से मुझे दबाना चाहते हैं तो बस इसे जोर से कहें आपको चारों ओर क्यों मारना चाहिए झाड़ी ऐसे पाखंडी की तरह बात कर रही है उन शब्दों में सच्चाई सुनकर हर कोई जी दोयांग की ओर देखने लगा जिस क्षण वह आया उसने तुरंत तीनों परम सुंदरियों के साथ बातचीत शुरू कर दी निस्संदेह वह अपनी हैसियत और ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था नौवे स्तर पर कदम रखने के बाद कौन कह सकता है कि मैं कमजोर या मजबूत हूं लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपसे सिर्फ एक वाक्य के लिए माफी मांगू क्या आप खुद को थोड़ा ज्यादा नहीं आंक रहे हैं आदित्य ठंडेपन से बोला जब जी दोयान ने आदित्य की बातें सुनी तो उसने गुस्से में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वह बस आदित्य को शांति से देखता रहा जैसे जैसे उसकी निगाहें धीरे धीरे तेज होती गईं उस समय किंगर आदित्य के पास खड़े होने के लिए चला गया जी डोयांग को घूर रहा था जो हवा में था किंगर क्या वह आपका अच्छा दोस्त है जी डाओयांग ने किंगेर पर नजर डाली जैसा उसने पूछा किंगेर की अभिव्यक्ति ठंडी थी वह बिना उत्तर के बस जी डोयांग को देखती रही जडा दावयांग ने बुरा नहीं माना और केवल मुस्कुराया चूंकि यह मामला है मैं उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा बात करने के बाद उनका चेहरा फिर से हल्का हो गया वह जुआन यांग की ओर मुड़ा जुआन यांग यह मामला यहीं समाप्त हो जाएगा अंकल एवरग्रीन ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं प्राचीन सम्राटों के शहर में रहने के दौरान किंगेर की देखभाल करूं आपने सुना है कि मैंने पहले क्या कहा था डॉन यहां कभी भी परेशानी पैदा करने की कोशिश मत करो जुआन यांग की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक भयावह हो गई जी डॉयांग को घूरते हुए जो हवा में था हालांकि जी डाओयांग का लहजा आकस्मिक था जैसे कि एक अत्यंत महत्वहीन बात हो यह कैसे संभव हो सकता है कि यह उसके लिए महत्वहीन था जुआन यांग जुआन जिनको आदित्य द्वारा सार्वजनिक रूप से मार दिया गया था टविन स्टार्स एलायंस को भी अपमानित किया गया था उनके बीच यह नफरत एक मौत की शिकायत थी फिर भी जी दोयांग सिर्फ एक वाक्य से सब कुछ हल करने के लिए कह रहे थे उससे कह रहे हैं कि भविष्य में कोई और परेशानी पैदा न करे जी डाओयांग ने जुआन यांग की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं की उसका पूर्ण अहंकार उस आकस्मिक लहजे में सुना जा सकता था भले ही जुआन यांग को चार रैंक दिया गया था जी डोयान ने उसे अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा जुआन यांग के दिल में जी डोयांग के लिए नफरत पैदा हो गई थी यदि कभी अवसर मिला तो वह अवश्य ही इस अपमान के घड़े को धो डालेगा जी डोयांग स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि जुआन यांग उनसे नफ़रत करेंगे लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जुआन यांग उसकी नजरों में किसी लायक नहीं थी वह जी दोयांग वायलेट सम्राट के वंशज थे जुआन सम्राट एक अत्यधिक शक्तिशाली रक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी स्वर्गीय मिस्टिक मिरर कला पर निर्भर था लेकिन बदले में उसके लिए दूसरों को अभिभूत करना कठिन था ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जुआन सम्राट उन सर्वोच्च पात्रों के साथ समान रूप से रैंक कर सके जिनके नाम वास्तव में दुनिया को हिलाकर रख देते थे और जुआन सम्राट के बेटे के रूप में जुआन यांग उन लोगों के हमलों की अनदेखी करते हुए जो उससे मजबूत थे अपनी अपराजय स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपनी दर्पण कला पर निर्भर थे अंत में जेडाय दावयान को उससे परेशान नहीं किया जा सका स्वाभाविक रूप से केवल जेडाए दावयान जैसा अस्तित्व ही इस तरह का कार्य करने का साहस कर सकता है यदि यह कोई अमर उद्गम रैंकिंग में सबसे नीचे स्थान पर था तो वे केवल जुआन यान के शक्तिशाली दर्पण को कला को दर्शाते हुए विस्मय में घूर सकते थे चूंकि उनकी स्थितियां भिन्न थीं इसलिए उन्होंने जो चीज़ें देखी वे स्वाभाविक रूप से भी भिन्न थीं दर्शकों ने जुआन यांग की चुप्पी पर ध्यान दिया और वे सभी महसूस कर सकते थे कि वह अपने दिल में किस हद तक अपमान सह रहा था लेकिन अगले ही पल जुआन यांग मुस्कुराई निश्चित रूप से चूंकि आपने इसे इस तरह से रखा है मैं अब किन्नेर के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा मैंने लंबे समय से वायलेट सम्राट और सदाबहार अमर सम्राट के बीच संबंधों के बारे में सुना है लेकिन मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी मैं भाइयों की तरह करीब रहूंगा मेरा मानना है कि भाई जी और राजकुमारी किंगैर एक दिन एक जोड़ी भी बन सकते हैं उनके बोलने के बाद जुआन यांग ने ट्विन स्टार्स एलायंस की ओर बढ़ते हुए कदम रखा जुआन यांग के अंतिम वाक्य को सुनकर सभी के चेहरों पर अजीब भाव आ गए वे समझ गए कि जुआन यांग ने जानबूझकर वह वाक्य कहा था आदित्य और जी डॉयांग के बीच और भी अधिक संघर्ष को भड़काने के लिए और उम्मीद के मुताबिक हालांकि जी दोयान की अभिव्यक्ति नहीं बदली आदित्य की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी अब आदित्य को अटकले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी यहां तक कि दर्शक भी बता सकते थे कि जी दोयांग राजकुमारी किंगेर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के इरादे से आया था हालांकि कोई नहीं जानता था कि उसका असली उद्देश्य क्या था दो तथ्य आदित्य के लिए जी दोयान को दुश्मनी के साथ देखने के लिए पर्याप्त थे पहला कि उसने जुआन यांग के वादे का अनुरोध किया और दूसरा कि वह चाहता था कि आदित्य माफी मांगे इसलिए जुआन यान नफरत को और गहरा करना चाहते थे इस संभावना को बढ़ाते हुए कि आदित्य भविष्य में जी डोयान से भिड़ेंगे उस समय उन्हें अभिनय करने की कोई जरूरत नहीं थी अगर आदित्य जी डोयान से लड़ने का फैसला करता है तो वह निश्चित रूप से बहुत दुखी होगा क्या आपके पास अभी भी परेशानी पैदा करने का चेहरा है आदित्य ने उड़ाया मजाक एक पल के लिए जुआन यान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई हालांकि जी डोयान ने उनकी लड़ाई को बाधित कर दिया था लेकिन दर्शकों ने स्पष्ट रूप से देखा था कि ट्विन स्टार्स एलायंस हीन स्थिति में था हालांकि उन्होंने और किंगर ने अपनी लड़ाई समाप्त नहीं की थी आदित्य पहले ही जियोलेंग्यू को हरा चुके थे एक गठबंधन बनाने का चयन करने के बाद इस नवस्थापित किन संप्रदाय द्वारा नाइट ट्विन स्टार्स एलायंस को पराजित किया गया था दाओयांग गेगे जियोलेंग्यू ने अपना सिर झुकाया और जी डोयान को देखा जो हवा में था लेंग्यू आप और मैं भी परिचित माने जा सकते हैं हालांकि किंगेर मेरे चाचा सदाबहार अमर सम्राट की बेटी है यदि आप हार गए तो आपको इसे एक मूल्यवान सबक के रूप में लेना चाहिए बस इस मामले को यहीं समाप्त होने दें जी डॉयन बोला हालांकि जियोलिंग्यू निराश था जी डॉयन के इतना कहने के बाद वह और क्या कर सकती थी वह केवल अपना सिर हिला सकती थी यह मामला यहीं समाप्त हो जाएगा अमर लोगों के प्रतिभावान प्राचीन सम्राटों के शहर में केवल इसलिए आए क्योंकि वे अपनी ताकत के स्तर को बढ़ाना चाहते थे स्वाभाविक रूप से पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए आप सभी को प्रयास करना चाहिए अंडरवर्ल्ड पर्वतों पर आपकी किस्मत जी डोयांग ने शांति से बात की और फिर जारी रखा पहले हमारे पास प्राचीन सम्राट ये की गुप्त कला भगवान के हाथ की खबर थी और अब हमें ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत की खबर मिली है यह काफी है सौभाग्य से लेकिन मुझे डर है कि इसका मतलब निकट भविष्य में हंगामे का एक हिंसक तूफान होगा जी डोयांग की बातें सुनकर दर्शक ठिठक गए यह वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था कभी कभी प्राचीन सम्राटों की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देती थी और प्राचीन सम्राटों के शहर के सभी प्रतिभाएं उन्हें प्राप्त करने के मौके के लिए लड़ती थीं यह उतना ही सौभाग्यशाली था जितना कि दो भयानक शक्तिशाली विरासतों का एक के बाद एक प्रकट होना अत्यंत दुर्लभ था कौन जानता है कि शायद इस पीढ़ी के लिए एक के बाद एक और भी विरासतें सामने आ रही हों यह उनका असली मकसद उन विरासतों को हासिल करने के मौके के लिए संघर्ष करना होना चाहिए किंगर चूंकि यह मामला समाप्त हो गया है मैं आगे बढ़ूंगा और पहले एक चाल चलूंगा अगर आपके पास कुछ और है जिसे मेरी मदद की जरूरत है तो आप किसी भी समय मुझे देखने आ सकते हैं जी दोयाम किंगेर को देखकर मुस्कुराया जिसके बाद उसका सिलहूट झिलमिला उठा और वह क्षेत्र से चला गया अभी भी लालित्य की हवा निकल रही थी किंगर का चेहरा बर्फ की तरह था जब उसने आदित्य को अपनी ओर मुड़ते देखा तो उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी और उसने समझाया मैं उससे परिचित नहीं हूं मूर्ख लड़की आदित्य मुस्कुराया जिसके बाद उसने किंगेर का हाथ पकड़ लिया मानो अपने स्वामित्व की घोषणा कर रहा हो इस दृश्य ने सभी के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ा आदित्य और सदाबहार अमर सम्राट राजकुमारी किंगेर की बेटी के बीच का रिश्ता प्रेमियों का था हालांकि दर्शकों को अभी भी समझ नहीं आया कि जी डोयांग का असली उद्देश्य क्या था यदि वह राजकुमारी किंगेर का पीछा करना चाहता है तो निस्संदेह आदित्य प्यार में एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा जी डोयांग के सभी पहलू आदित्य की तुलना में अधिक उत्कृष्ट थे यहां तक कि अगर सदाबहार अमर सम्राट को चुनना होता तो भी वह वायलेट सम्राट के बेटेजी डोयांग को चुनते जुआन यांग और जियो ट्विन स्टार्स एलायंस के सदस्यों के साथ एक साथ खड़े थे जुआन यांग ने घूरते हुए कहा आदित्य तुम्हें हमेशा के लिए उस महिला के पीछे छिप जाना चाहिए बोलने के बाद वह अपनी आस्तीन की एक झिलमिलाहट के साथ चला गया एक मजबूत अनिच्छा को दूर करते हुए जो हवा में टिका हुआ था क्योंकि वह ट्विन स्टार्स एलायंस के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा था एक पराजित कुत्ता फिर भी इतना घमंडी और उदात्त व्यवहार कर रहा है वास्तव में हास्यास्पद आदित्य ने भावहीन रूप से टिप्पणी की और उसके शब्दों के कारण जुआन यांग जो छोड़ने वाला था एक बार फिर उसकी आभा में उतार चढ़ाव आया जाहिर है जुआन यांग अपने दिल में बेहद नाखुश था यह जीडोयांग इतना घमंडी है वह क्या सोचता है कि वह कौन है मैं उसे घूर कर देखकर चिड़ जाता हूं जून मैनचिन ने धीमी आवाज में कोसते हुए आगे कदम बढ़ाया जी डोयांग के रवैये को देखकर वह बेहद नाराज थे उसे नफरत थी कि प्राचीन सम्राटों के शहर में उसकी ताकत बहुत कम थी अन्यथा वह निश्चित रूप से उस अहंकारी साथी को एक भव्य लड़ाई के लिए चुनौती देता बाकी सब कुछ धिक्कार है वह अमर उद्गम रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर है वायलेट सम्राट का बेटा है ऐसा चरित्र अहंकारी कैसे नहीं हो सकता है लेकिन हां यह सच है कि वह बहुत ही कृपालु है जी किंगक सुन ने भी बात की जी डावयांग के सभी शब्दों और कार्यों से ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी उपस्थिति के साथ ही सभी को उनके आदेशों को सुनना होगा जुआन यांग को हार मानने के लिए मजबूर करना आदित्य से माफी मांगना चाहते हैं और केवल किंगेर के कारण अंत में रुकने का फैसला करना उसने जो चीजें की उससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वे अभी भी खुद जी डाओयांग के एहसानमंद हैं बहन क्विंदक सुवान तुम दोनों एक ही उपनाम साझा करती हो मुझे यह मत बताओ कि तुम उसके कबीले का हिस्सा हो जून मैंगचेन ने मजाक किया उसके शब्दों ने जी किंदकसुआन को उसकी तरफ देखा यद्यपि जी डाओयांग अहंकारी है इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके पास इसका समर्थन करने की क्षमता है हालांकि जुआन यांग चार रैंक पर है उसके और जी डाओयांग के बीच केवल तीन पदों की असमानता के साथ उनकी युद्धक क्षमता बस बहुत अधिक भिन्न है जुआन यांग में जी डाओयांग का खंडन करने का साहस भी नहीं था हुआ ताइक्सू ने स्थिति का शांति से विश्लेषण किया जिन लोगों को अपने बल पर भरोसा होता है उनमें स्वाभाविक रूप से कृपालु और अहंकारी होने की प्रवृत्ति होती है जी दोयांग एक बहुत अच्छा उदाहरण था आप सही कह रहे हैं अगर वे वास्तव में लड़े तो जुआन यांग एक भी बार के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे उनकी ताकत बस अलग अलग स्तरों पर है इसका मतलब यह भी है कि अगर जी डोयांग आप लोगों से निपटना चाहते हैं तो सभी आप में से पांच आसानी से उससे हार जाएंगे शिष्टता का नामोनिशान न होते हुए एक आवाज इधर उधर हो गई लेकिन जब आदित्य ने बोलने वाले की तरफ देखा तो उन्हें उस व्यक्ति के बयान में सच्चाई के बारे में कोई संदेह नहीं था क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमर उद्गम रैंकिंग में तीन स्थान पर रहने वाला नानफेन यूनक्सी था यह देखते हुए कि उसकी रैंक कितनी ऊंची थी उसे स्वाभाविक रूप से जी डॉयन की युद्ध क्षमता के बारे में कुछ समझ थी और उसके पास अपना निर्णय देने की योग्यता होगी तो क्या हुआ जब मेरा वरिष्ठ भाई दिव्य घटना के नौवें स्तर पर कदम रखेगा तो वह निश्चित रूप से परमेश्वर के हाथ का उपयोग करके जी डॉयन पर हावी होने में सक्षम होगा जून मैंगचेन बड़बड़ाया यह इतना आसान कैसे हो सकता है नानफेन युंगसी ने अपना सिर हिलाया जी डॉयन ने कहा कि भले ही आदित्य नौवें स्तर में कदम रखता है फिर भी वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा यह सिर्फ एक साधारण घमंड नहीं है हालांकि भगवान का हाथ शक्तिशाली है यह अजय नहीं है यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे आपने अपनी अधिकांश गुप्त कला को समझ लिया है और कृपया याद रखें कि प्राचीन सम्राटों के शहर में भगवान का हाथ ही एकमात्र विरासत नहीं है क्या आप कह रहे हैं कि जी डोयान को भी पहले एक प्राचीन सम्राट से विरासत मिली है आदित्य ने पूछा जी डोयान की ताकत अकेले पहले से ही बेहद भयानक है वायलेट सम्राट अमर लोकों में अपनी साधना के चरम पर सबसे मजबूत अमर सम्राटों में से एक है यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी साधना कला और सहज तकनीक कितनी शक्तिशाली है ऐसा मत बनो आपकी सफलता सुनिश्चित है भले ही आप जी डावयांग से लड़ने के लिए भगवान के हाथ पर निर्भर रहना चाहते हैं यह मान लेना एक भ्रम है कि आप किसी पर भी उसी साधना स्तर पर हावी हो सकते हैं जिस पर आप हैं केवल इसलिए कि आपके पास यह है नानफिन युक्सी ने बात जारी रखते हुए कहा इसके अलावा जी डाओयान ने कहा कि दूसरा रैंकर अंडरवर्ल्ड पर्वतों में बहुत लंबे समय से है और यह बहुत संभव है कि उस आदमी ने पहले ही उस जगह का लाभ उठा लिया हो अगर वह वहां नहीं मरता तो उसका मौजूदा ताकत शायद जडाए डावयान की तुलना में कोई कमजोर नहीं होगी आदित्य ने अमर लोगों से किसी भी प्रतिभा को कम नहीं आंकने का साहस किया यह स्थान लगातार विकसित हो रहा था और प्राचीन सम्राटों के शहर के लोग केवल ज्वार के साथ चलते थे कई प्रतिभाएं भी थीं जिन्होंने वहां प्रवेश करना नहीं चुना इसके अलावा युवा पीढ़ी के कई सदस्य अमरनी के दायरे में भी थे एक के बाद एक पीढ़ी यह अज्ञात था कि कितने सर्वोच्च प्रतिभाओं ने अमर लोगों पर कब्जा कर लिया था आप यहां हमसे बात क्यों कर रहे हैं जी जीकिंगक सुअन ने सीधे पूछा और उसने नानफिंग यूनक्सी को देखा मैंने अंडरवर्ल्ड पहाड़ों में प्रवेश करने की योजना बनाई है हालांकि यह प्राचीन सम्राटों के शहर में एक निषिद्ध मैदान है और अगर आप सभी की भी इसमें प्रवेश करने की योजना है तो मैं आपके साथ सहयोगी बनना चाहता हूं ताकि हम एक दूसरे की बेहतर देखभाल कर सकें आपकी क्या राय है अगर मैं आपको बताऊं कि मैं किन संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं नानफेन युंगसी ने पूछा उसके शब्दों से दर्शकों के भाव जम गए नानफेन यूसी किन संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे जाहिर है जो लेंगयू और जुआन यांग के खिलाफ अपनी पिछली लड़ाई देखने के बाद किन संप्रदाय ने पहले ही नानफेन यूकसी की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी और अंडरवर्ल्ड पर्वतों में मौजूद अज्ञात खतरे के सामने किन संप्रदाय निस्संदेह सबसे अच्छा गठबंधन था जिस पर वह निर्भर रह सकती थी किन संप्रदाय के विशेषज्ञों की वर्तमान संख्या न्यूनतम थी लेकिन उनके पास शीर्ष पर दो सर्वोच्च प्रतिभाएं थीं जो उनका नेतृत्व कर रही थीं उसके लिए किन संप्रदाय से अधिक उपयुक्त कोई अन्य शक्ति नहीं थी हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका स्वागत है आदित्य ने अपनी सहमति दिखाने के लिए अपना सिर हिलाया नानफेन युक्सी के किन संप्रदाय में शामिल होने से तुरंत उनकी ताकत दूसरे स्तर तक बढ़ गई जिससे उन्हें प्राचीन सम्राटों के शहर में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली बल बनने में मदद मिली उनके पास केवल छह सदस्य थे लेकिन यह काफी था उसके अनुरोध पर आपत्ति करने का उसके पास कोई कारण नहीं था यह दर्शकों ने अपना ध्यान दो सर्वोच्च सुंदरियों की ओर लगाया तीन रैंकर नानफेंग युनक्सी और पांच रैंकर प्रिंसेस किंगे इसके अलावा आदित्य भी थे जिन्होंने जियोलिंगे को हराया था सदस्यों का यह गठन बहुत शक्तिशाली था मैं किन संप्रदाय में भी शामिल होना चाहता हूँ इस समय भीड़ में से किसी ने पुकारा मैं भी मैं भी शामिल होना चाहता हूँ एक एक करके अधिक से अधिक प्रतिभाएं बाहर निकली दो सर्वोच्च सुंदरियों के साथ और उस पहले की लड़ाई के बाद किन संप्रदाय की ताकत ट्विन स्टार एलायंस को पार करने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा आदित्य ने बोलने वालों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया किन संप्रदाय नया स्थापित हुआ है लेकिन हम किसी को भी ऐसे सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे जो शामिल हो सकते हैं वे सभी हमारे भाई बन जाएंगे और एक बार शामिल होने के बाद किसी को भी अनुमति नहीं है छोड़ो इतना ही नहीं उन्हें मेरी आज्ञाओं को पूरी तरह से सुनना होगा और किसी भी अपराधी के साथ कठोरता से निपटा जाएगा क्या आप सभी मेरे नियमों को सुनने के बाद भी किन संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक हैं जब जून मेनचेन ने बोलना चाहा, आदित्य पहले ही कह चुका था कि वह क्या कहना चाहता है वह इन लोगों की खिल्ली उड़ाए बिना नहीं रह सका क्या मजाक जब वे खतरे में थे तो कोई भी मदद के लिए नहीं आया था अब जबकि ट्विन स्टार्स एलायंस पराजित हो गया था और यह देखते हुए कि आदित्य और किंग्र कितने शक्तिशाली थे साथ ही साथ नानफिंग युंगसी का नामांकन ये दर्शक अब कह रहे थे कि वे किन संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं इतने लोगों की भर्ती करने से उनके रैंकों में कलह ही पैदा होगी वे सभी प्रतिभाएं जो शामिल हुई वे सभी अपने अपने भूखंडों और योजनाओं को आश्रय देंगी ऐसे में बेहतर यही होगा कि इनमें से किसी को भी स्वीकार न किया जाए सभी के भाव कठोर हो गए फिर किसी ने पूछा भाई किन लेकिन कोई मानदंड नहीं था जब नानफिंग युक्सी ने कहा कि वह शामिल होना चाहती है आदित्य ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा अगर तुम्हारी रैंकिंग उसके जितनी ऊंची है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी वास्तव में मैं शीर्ष दस में शामिल होने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई मानदंड नहीं थोपूंगा आदित्य के चेहरे पर निश्चिंत मुस्कान देख जिन जिन प्रतिभाओं ने लगाने की कोशिश की वे सिर ही हिला सके वे भी आदित्य की मंशा समझ गए सामान्य प्रतिभाओं के लिए जो किन संप्रदाय में शामिल हो गए आदित्य और नानफिन यूकसी उनके लिए टैंक बनेंगे यदि उन्हें ख़तरे का सामना करना पड़ा और उन साधारण प्रतिभाओं के लिए भी एक बार सौभाग्य का हिस्सा होने पर लाभ का हिस्सा होगा इस दुनिया में कुछ इतना सुविधाजनक कैसे हो सकता है अभी किन संप्रदाय एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी इसे भूल जाओ इसे भूल जाओ अभी जल्द ही प्राचीन सम्राटों के शहर में हंगामे का दौर होगा यहां तक की जी दोंग ने कहा है कि ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट के खंडहर खोजे गए हैं इसलिए क्या हर कोई एक गठबंधन बनाना चाहता है और इस वर्जित मैदान का पता लगाने के लिए तैयार हो जाओ यह सही है पाताल के पहाड़ों को वर्जित मैदान के रूप में जाना जाता है और बहुत से लोग प्रवेश कर चुके हैं लेकिन उनके पास इसे वापस करने का कोई रास्ता नहीं है हालांकि किसी ने कभी भी सामूहिक रूप से उस जगह में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की है अब जब ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत की खबर है वहां होने के कारण निश्चित रूप से शहर में एक तूफान आएगा मुझे विश्वास नहीं होता कि अंडरवर्ल्ड पर्वत हम प्रतिभाओं की सेना को फंसा सकते हैं लोग लगातार बोलते रहे एक के बाद एक और उनके लड़ने के हौसले बुलंद थे आदित्य कुछ नहीं बोला हालांकि वह पहले ही अंडरवर्ल्ड पर्वतों में प्रवेश कर चुका था लेकिन वह वहां केवल एक पल के लिए रुका था और उस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता था वास्तव में उन्हें वहां के किसी भी जाल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था लेकिन अगर वह दूसरों को प्रवेश न करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है तो लोग शायद यह सोचकर उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह अपने लिए विरासत को जब्त करना चाहता है किन संप्रदाय अभी स्थापित हुआ है और हम फिलहाल किसी नए सदस्य को स्वीकार नहीं करेंगे हर कोई आपकी रुचि के लिए धन्यवाद कृपया छोड़ दें आदित्य ने हाथ हिलाकर उन्हें बर्खास्त करने का आदेश दिया जिन प्रतिभाओं ने देखा था उनके पास प्रस्थान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था नानसिंग युक्सी अभी हमारे किन संप्रदाय में कुल छह लोग हैं आप जहां भी रहना चाहें वहां चुन सकते हैं आदित्य उस समय मुस्कुराया जब क्षेत्र के अन्य सभी प्रतिभावान लोग चले गए थे हम्मा नानसिन यूसी ने सिर हिलाते हुए पूछा हम कब निकलेंगे चूंकि आप पहले से ही किन संप्रदाय में शामिल हो चुके हैं मैं आपसे कुछ भी नहीं रखूंगा वास्तव में मैंने हाल ही में अंडरवर्ल्ड पर्वत छोड़े हैं वास्तविक अंडरवर्ल्ड पर्वत एक अलग स्थान में है धुंध और कोहरे से छिपे हुए हैं एक रहस्यमय ऊर्जा है वहां जो कि शानदार मार्शल कल्टीवेटर्स की ताकत को कम कर सकता है और एक विस्तारित अवधि के लिए वहां रहना बहुत मुश्किल है आदित्य ने नानसिंग युक्सी से कहा नानसिंग युक्सी के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी जब उसने पूछा फिर तुम लोग कैसे चले गए किंगेर के पास एक स्थानिक प्रकार का खजाना है आदित्य ने उत्तर दिया ऐसा लगता है कि मैंने किन संप्रदाय में शामिल होने का चुनाव सही किया है उस स्थिति में हमारे लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है आइए अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को फिर से भरने के लिए और अधिक युवाओं उल्का रत्न लाएं उस लड़ाई में पहले आप लोगों ने जियो शाखा के सदस्यों से इंटरस्पेटियल रिंग्स मुझे यकीन है कि आप युवा उल्टा पत्थरों की कमी नहीं है नानसिन यूसी हंस पड़ी चूंकि यह मामला है हम एक दिन के लिए आराम करेंगे और कल सुबह सबसे पहले रवाना होंगे खबर पहले ही प्रसारित की जा चुकी है और संभवत प्राचीन सम्राटों के शहर में अधिकांश प्रतिभाएं भी वहां जा रही होंगी आदित्य बेहद निर्णायक था क्योंकि किंगेर के पास बाहर निकलने का एक तरीका था उसे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं थी बस इतना था कि छोटा बदमाश अभी भी उस जगह के अंदर था और यही उसकी बेचैनी का स्रोत था वह दूसरा रैंकर भी वहीं था यदि वह लिटिल रास्कल से मिलता है तो लिटिल रास्कल की युद्ध क्षमता निश्चित रूप से तुलना में कमतर होगी सही नानफेंग यूसी ने सिर हिलाया जिसके बाद उनमें से छह जमीन पर उतरे और खेती करने के लिए अपने अपने आंगन में वापस चले गए आदित्य को इस अतिरिक्त समय की जरूरत थी उस लड़ाई के बाद उसके भगवान के हाथ की ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी उसे फिर से इकट्ठा करने के लिए उसे दिव्य ऊर्जा के अधिक कणों को संघनित करना पड़ा शाखा का पुराना स्थान अब किन संप्रदाय का मुख्यालय था वातावरण शांत था और जब रात होती थी तो केवल इस जगह के आसपास के पहाड़ों के भीतर झरने से पानी की गड़गड़ाहट और छींटे की आवाज़ सुनाई देती थी दूसरे आंगन में नानफिन युंगसी अपनी पीठ के पीछे अपनी बाहों के साथ खड़ी थी दक्षिणी फीनिक्स कबीले की एक राजकुमारी के रूप में वह सफल होने के लिए बहुत दबाव में थी वह उस आदेश को नहीं भूली जो मातृप्रधान दक्षिणी फीनिक्स ने उसे दिया था तैंतीस अमर क्षेत्र बहुत लंबे समय से शांतिपूर्ण थे और यह अज्ञात था कि स्वर्ग कंपाने वाले अनुपातों की अगली भव्य लड़ाई कब होगी उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ानी थी परिपक्व होने के साथ साथ वह जितनी जल्दी हो सके मातृसत्ता दक्षिणी फीनिक्स के वंशज के रूप में उसे यह सुनिश्चित करना था कि चाहे कुछ भी हो वह सौ साल की उम्र के भीतर अपनी अमरनीम स्थापित कर लेगी मैट्रियार्क मैट्रर्क सगर्नफीनिक्स ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही दुनिया में अराजकता आएगी अराजकता के साथ इसका मतलब था कि और भी आश्चर्यजनक प्रतिभाएं पैदा होंगी विशेष रूप से वे जो हवा और बारिश को हिला देने में सक्षम हो तूफान को नियंत्रित करें अनगिनत प्रतिभाओं के एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के साथ कौन शीर्ष पर पहुंचेगा नानफेन युक्सी ने अक्सर इसके बारे में सोचा था आने वाले अराजक समय में क्या वह आकाश का एक टुकड़ा बना पाएगी जो उसका था जी डाओयांग किंग आदित्य और वह दूसरा रैंकर प्राचीन सम्राटों के शहर के शिखर पर उन अन्य प्रतिभाओं के अलावा क्या वे खुद से कमज़ोर होंगे वहां कौन है इस समय नानफिन यूंगसी अचानक पीछे मुड़ी और अपने पीछे घूरने लगी हालांकि उसने केवल आसपास के पहाड़ों को देखा और मानव की आभा के कोई अन्य सिलहूट या निशान नहीं थे इससे नानफिन युंगसी की भाहें तन गईं और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी कौंध गई उसकी इंद्रियां अत्यंत तीक्ष्ण थीं निश्चित रूप से पास में कुछ अजीब रहा होगा हालांकि वह आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकी या क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने दिल की चिंताओं के कारण कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी उसी समय आदित्य अपने आंगन में चुपचाप खेती कर रहा था किंगर का चुना हुआ प्रशिक्षण मैदान एक झरने के बगल में था जो सीधे खेती करने वाले आदित्य का सामना करता था उसकी चमकदार पारदर्शी निगाहें आदित्य पर टिकी थीं फिर भी वह परेशान लग रही थी क्योंकि वह चुपचाप चिंतन में खड़ी थी हालांकि किंगर दुनिया की कई चीज़ों से अपरिचित थी लेकिन ठीक इसी वजह से उसका दिल और दिमाग़ साफ़ था इन सबका परिणाम यह हुआ कि उसकी इंद्रियां सामान्य लोगों से अधिक तेज थीं और वह स्पष्ट रूप से उन चीज़ों को समझ सकती थी जो कोई और नहीं कर सकता था अब जब दिन की घटनाओं के बारे में सोच रही थी तो वह हल्के से महसूस कर सकती थी कि आज जी डोयान की उपस्थिति का कारण वास्तव में उसकी वजह से था लेकिन वह जी डोयान से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी और इसलिए उसके असली उद्देश्य की था लेने में असमर्थ थी जडाय दाओयान की हैसियत को देखते हुए उनके पास सुंदरियों की कमी नहीं होगी जो ज्योलिंग्यू के लिए भी अगर वह कुछ तरीकों का इस्तेमाल करता तो वह आसानी से उसे पा सकता था इसलिए वह सिर्फ इसलिए किसी के करीब आने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि वे सुंदर थे किंगरेर ने तब अपने पिता सदाबहार अमर सम्राट के बारे में सोचा उसने आदित्य की ओर देखा सोच रही थी कि क्या उसके पिता उसे स्वीकार करेंगे क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता के निशान झिलमिलाते देखे जा सकते थे लेकिन जब उसने पूरी तरह से अपनी साधना में डूबे हुए आदित्य के चेहरे पर शांति देखी तो किंगर का चेहरा धीरे धीरे फिर से कोमल हो गया अब पहले जैसा ठंडा नहीं रहा पाले से भरी उन आंखों में अब एक गर्माहट भरी हुई थी रात पहले जैसी ठंडी नहीं लग रही थी साफ पहाड़ी हवा में धुंध का निशान था जो पर्वत श्रृंखला को घेरे हुए था आमतौर पर यह जगह असाधारण रूप से शांत थी लेकिन आज अचानक वहां पर तीन से पांच के समूहों में क्षेत्र के चारों ओर अपनी अपनी स्थिति में क्रमशः खड़े हुए सभी पहाड़ों की गहराई में जा रहे मनुष्यों के कई छायाचित्र दिखाई दिए ये लोग कोई और नहीं बल्कि प्राचीन सम्राटों के शहर के अन्य विशेषज्ञ थे जिन्होंने समाचार के बारे में सुना था हालांकि पाताल के पहाड़ों को वर्जित भूमि के रूप में जाना जाता था लेकिन जब कई विशेषज्ञ इकट्ठे होते थे तो उनका साहस बढ़ जाता था यह विशेष रूप से तब था जब इस तथ्य पर विचार किया गया था कि यहां हर कोई प्रतिभाशाली था कोई भी कायर होना स्वीकार नहीं करेगा और लोग कल से जमा हो रहे थे प्राचीन सम्राट यी के प्राचीन खंडहरों में यह सच था कि खोई हुई गुप्तकला द गॉड्स हैंड प्रकट हुई थी और आदित्य द्वारा समझी भी गई थी समान रूप से प्रसिद्ध ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट के मामले में अब जब उनकी विरासत के संबंध में समाचार आया था तो क्या उनकी खोई हुई गुप्त कला भी यहां फिर से प्रकट होगी यदि महान ब्रह्मा कला उनमें से किसी के द्वारा सफलतापूर्वक समझ ली गई थी भले ही उनके पास स्वर्गीय ब्रह्मा सम्राट के रूप में निपुणता के स्तर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था यह उनके लिए अमर क्षेत्र में एक क्षेत्र का एक प्रमुख चरित्र बनने के लिए पहले से ही पर्याप्त था कोई भी यह महसूस नहीं करेगा कि वे हीन हैं और या वे निश्चित रूप से किसी खोई हुई गुप्त कला के रहस्य को समझने में असफल होंगे यह प्राचीन सम्राटों के शहर में यहां की प्रतिभाओं के लिए भी विशेष रूप से सच है आदित्य और उसके समूह ने अंडरवर्ल्ड पर्वतों की सीमाओं में कदम रखा आदित्य किंगेर नानफिन युंगसी जून मिंगचेन जी किंगक्सुआन और हुआ ताइक्सु किन संप्रदाय के छह सदस्य सभी यहां थे वे जहां भी जाते सिर उनकी ओर नी संदेह मुर जाते छह में से तीन शीर्ष श्रेणी की सुंदरियां थीं जिकविंगक्सुआन पहले से ही बेहद खूबसूरत थी किंगेर और नानफिंग युक्सी की तो बात ही छोड़ दें जो उससे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थे इस तरह के गठन के साथ वे ध्यान आकर्षित करने में कैसे विफल हो सकते हैं जिन लोगों ने कल की लड़ाई के बारे में सुना वे तुरंत अपनी पहचान का अनुमान लगा सकते थे लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक इस खबर को नहीं सुना था इसलिए वे सोच रहे थे कि ये दो सर्वोच्च सुंदरियां नानफिंग युक्सी और किंगर कौन हैं उनके दल की गति अत्यंत तीव्र थी आदित्य ने रास्ता पहचाना और जल्दी से अंडरवर्ल्ड पर्वत के बाहरी क्षेत्र में आ गया यहां कई विशेषज्ञ पहले से ही मौजूद थे और उनमें से अधिकांश ने अपने समूह बना लिए थे यहां विरले ही अकेले थे बाद में इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि खजाने या विरासत में मिलने पर लड़ाई हो सकती है और उस समय ताकत ही सब कुछ थी यदि आपने गठबंधन बनाने से इनकार कर दिया तो आप बस मौत को दावत दे रहे थे नानसिंह युक्सी इस समय यह पता नहीं चला कि किसने फोन किया था लेकिन इसने कई लोगों का ध्यान आदित्य और उसके पांच साथियों की ओर खींचा वहां राजकुमारी किंगेर भी है तीन और पांच रैंकर्स दोनों सर्वोच्च सुंदरिया भी यहां हैं एक अन्य व्यक्ति बोला और उसके कारण किन संप्रदाय तुरंत ही वहां सभी का ध्यान केंद्रित हो गया दिलचस्प है ट्विन स्टार्स एलायंस के लोग भी आ चुके हैं दर्शक दूसरी दिशा में घूर रहे थे जहां जुआन यांग और जियो जियोलेंग्यू को लोगों के एक बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए देखा जा सकता था ऐसा लगता है कि जियो जियोलेंग्यू की चोटें केवल एक ही दिन में ठीक हो गई थीं कोई केवल आश्चर्य कर सकता था कि उसने किस प्रकार की चमत्कारी औषधि का प्रयोग किया होगा हालांकि ग्रीड वुल्फ मौजूद नहीं था एक या दो साल आराम किए बिना यह संभावना थी कि लालची भेड़िया अपने बिस्तर से रिंगने में सक्षम नहीं होगा भीड़ के एक विशेषज्ञ ने दूसरे से कहा नानफिंग युंगसी और प्रिंसेस किंगर ने गठबंधन किया है और ट्विन स्टार्स एलायंस में जुआन यांग और जियो लेंग्यू हैं ऐसा लगता है कि हमें और लोगों को लाना चाहिए और एक समूह भी बनाना चाहिए किन संप्रदाय और ट्विन स्टार्स एलायंस की ताकत बहुत भयानक थी चलो प्रवेश करते हैं नानफिंग यूंगशी ने धीमी आवाज में बात की आदित्य ने सिर हिलाया जिसके बाद उनके ग्रुप ने सीधे अंडरवर्ल्ड के पहाड़ों में कदम रखा इस दृश्य को देखकर अन्य सभी एक पल के लिए हिचकिचाए लेकिन जल्द ही पीछे हो लिए यहां तक कि नानसेंग युंगसी और राजकुमारी किंगर ने भी इस निषिद्ध मैदान में प्रवेश किया था वे भयभीत या घबराए हुए कैसे हो सकते हैं बहुत तेजी से प्राचीन सम्राटों के शहर की प्रतिभाएं समूहों में एकत्रित हुईं और अंडरवर्ल्ड पर्वत की गहराई में चली गई कुहासा और कोहरा उठा तो पूरा वातावरण एक रहस्य से भर गया जिसके बाद भयावह शीतलता की भावना को उजागर करते हुए असली अंडरवर्ल्ड पर्वत हर किसी की दृष्टि में दिखाई दिए अंडरवर्ल्ड पर्वत विभिन्न प्रतिभाओं ने तुरंत पता लगाया कि उनके सामने का स्थान वास्तविक वास्तविक अंडरवर्ल्ड पर्वत था इसी तरह उन्होंने लगभग तुरंत ही पता लगा लिया कि उनके शरीर की ताकत और ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है हुआ ताइक्सू ने इस प्रतीत होने वाली भ्रमपूर्ण जगह को घूर कर देखा जैसे कि वह बंधन को तोड़ने के लिए अपनी संसारी आंखों का उपयोग करना चाहता हो हालांकि अपनी शक्तिशाली संसार आंखों के साथ भी वह केवल एक विशाल कोहरा देख सकता था जो उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर रहा था अंडरवर्ल्ड पर्वतों के रहस्य कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें वह देख सकता था नानफिंग युक्सी तुम यहां हो इस समय उसके सामने एक सिलहूट टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा था इस युवक की नाक और माथा चपटा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी वह बेहद राक्षसी लग रहा था और सामान्य इंसानों से काफी अलग था हालांकि उसकी आंखें बेहद तेज थीं और जब उसकी नजर वहां मौजूद लोगों पर पड़ी तो वह एक भयावता की हवा से भर गई राक्षसी ची यह व्यक्ति एक दानव है आदित्य समझ सकता था कि इस आदमी का मूल शरीर एक राक्षसी जानवर था सामान्य लोग आमतौर पर नानफिंग युक्सी के पास जाने और उसके इतने क़रीब जाने की हिम्मत नहीं करेंगे आदित्य ने अपनी स्मृतियों में खोजा और तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आदमी कौन था जानपेंग अमर उद्गम रैंकिंग में सात स्थान पर है वह राक्षसी एवियन जानवरों की एक दौड़ से आया है क्या बात क्या बात जैसे ही उसने पूछा नानफिंग युक्सी ने एक नज़र डाली आप इन सामान्य लोगों के साथ क्या कर रहे हैं मेरे पीछे आओ और हम एक साथ अंडरवर्ल्ड के पहाड़ों पर घूमेंगे पेंग ने जारी रखा हम एक दूसरे के लिए एकमात्र उपयुक्त मैच हैं आसपास के लोगों के चेहरे पर रुचि के भाव थे खासतौर पर तब जब जानपेंग ने किंगेर और आदित्य को साधारण नश्वर कहा क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानता था कि राजकुमारी किंगेर की रैंकिंग उससे ऊंची है और आदित्य ने छह रैंक वाले जियोलेंग्यू को भी हराया था जो उनसे ऊपर के रैंक के थे हालांकि जान पेंग का यह चरित्र हमेशा से एकांत और गर्व का रहा है उसने जो चाहा वह किया बाकी सबसे बेपरवाह जान पेंग एक साधारण प्रजाति का राक्षसी पक्षी था यह जानते हुए कि सदर्नफीनिक्स रक्तरेखा कितनी शुद्ध और प्रथम श्रेणी की थी वह स्वाभाविक रूप से इसके पीछे लालायत था वह अपनी सीमाओं को नहीं जानता था और उसकी आकांक्षाएं स्वर्ग से भी ऊंची थीं वह आकाश के प्रभुसत्ताधारी दैवीय चट्टान को मारने और उसे आकाश के वास्तविक स्वामी के रूप में बदलने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था इसलिए उन्होंने दृढ़ता से महसूस किया कि केवल नानफेन युक्सी की दक्षिणी फीनिक्स रक्तरेखा ही उनके लिए अनुकूल होगी और यह कि उन्हें उनके साथ संभोग करना चाहिए एक बार एक व्यक्ति ने मज़ाक में कहा था कि यह झानपेंग और कुछ नहीं बल्कि एक पक्षी है जो फीनिक्स की लालसा कर रहा है जो आकाश और पृथ्वी की विशालता से अनभिज्ञ है हालांकि उस व्यक्ति की तब जानपेंग ने बेरहमी से हत्या कर दी थी तब से हर किसी ने अपने दिल में उसका मज़ाक उड़ाने की हिम्मत की क्योंकि किसी ने भी जानपेंग की ताकत को कम आंकने की हिम्मत नहीं की स्क्रैम नानफेंग युक्सी ने ठंडेपन से आदेश दिया जब उन्होंने जान जानपेंग को देखा तो उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं यह नीच प्राणी जो सोचता रहा कि वह कितना ऊंचा है वह वास्तव में एक घृणित दृश्य था झानपेंग राजकुमारी नानफेंग को तुमसे प्यार क्यों होगा सबसे अच्छा होगा कि तुम आज्ञाकारी रूप से मेरे गठबंधन में शामिल हो जाओ या तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि बाद में तुम्हें नुकसान हुआ या नहीं दूर नहीं एक क्षीणसा दिखने वाला व्यक्ति बोला जिससे निराशा का आभास हो रहा था लोग तुरंत पहचान गए कि यह कौन था यह क्षीण दिखने वाला साथी कोई और नहीं बल्कि अमर उद्गम रैंकिंग अस्थि दानव में आठ रैंकर था हड्डी दानव के अलावा साधारण दिखने वाली एक महिला खड़ी थी हालांकि उसके पास एक असाधारण व्यवहार था नानफेंग युक्सी और किंडेर को घूरते हुए उसकी निगाहें तेज थीं ये दोनों न केवल सर्वोच्च सुंदरियां थीं वे अमर उद्गम रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर थीं इस दानपेग को वास्तव में नहीं पता था कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है सबसे अधिक संभावना है उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह लोगों के इस समूह का विरोध नहीं कर सकता ऐसा लगता है जैसे बोन दानव और जू रक्सु ने गठबंधन किया है कुन्नू भी उनके समूह में है क्या शक्तिशाली गठन है भीड़ तीनों को देखती रही जू रुक्सुए के पीछे एक गंजा भिक्षु था जिसका नाम कुन्नू था अमर उद्गम रैंकिंग में इन तीनों को क्रमशः आठ नौ और दस स्थान दिया गया था वे सब आ चुके थे ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत की खबर ने सभी को आकर्षित किया था पीक जीनियस पीक जीनियस के साथ संबद्ध हैं जहां तक दूसरों की बात है वे केवल संख्या के मामले में इसकी भरपाई कर सकते थे बंद करना जानपेंग ने ठंडेपन से बोन दानव पर एक नजर डाली इसके बाद वह वापस नानफेंग यूनक्सी की ओर मुड़े किसी असाधारण व्यक्ति के रूप में मैं निश्चित रूप से भविष्य में अमर लोगों में आकाश का शासक बन जाऊंगा नानफेंग युक्सी आपके पास प्राचीन फीनिक्स रक्तरेखा है हम दोनों स्वर्ग में बने एक जोड़े हैं पास के जीनियस हंसना चाहते थे लेकिन हिम्मत करने वाला कोई नहीं था पेंग का यह व्यक्तित्व पूर्वाग्रह से भरा हुआ था उन्हें यह गुण अपने दानव पिता से विरासत में मिला था उनके पिता एक साधारण पक्षी थे जो अमर लोगों में एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करते हुए एक दानव सम्राट के रूप में विकसित हुए बहुत से लोग उनका विरोध करने का साहस नहीं करते थे और उन्हें कुछ हद तक एक किंवदंती भी माना जा सकता था राक्षसी जानवर और इंसान अलग थे मानव तारकीय मार्शल कल्टीवेटरों को अंतहीन रूप से बढ़ते रहने के लिए सौभाग्य का सामना करने के लिए अपने प्रयास और भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता था उनकी समझने की क्षमता भी मजबूत हो सकती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह का सौभाग्य मिला है हालांकि राक्षसी जानवरों की समझने की क्षमता और अंतर्दृष्टि उनके जन्म के समय तय हो गई थी एक दिव्य पक्षी एक दिव्य पक्षी था और सामान्य पक्षियों के लिए चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें उनके लिए एक रॉक या फीनिक्स बनना अभी भी असंभव था आदित्य ने देखा कि यह बातचीत कितनी अजीब थी लेकिन वह चुपचाप जनपेंग की दृढ़ता और आत्मविश्वास से प्रभावित था इस तरह के गुणों के साथ एक व्यक्ति लगभग हमेशा ऐसे परिणाम प्राप्त करेगा जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता अपने दिल की गहराई से इस झानपेंग ने वास्तव में महसूस किया कि नानफिंग युक्सी उसके साथ स्वर्ग में बनी एक जोड़ी थी मैंने आपको स्कैन करने के लिए कहा था नानफिंग युक्सी का चेहरा और भी ठंडा हो गया क्योंकि उसके अंदर से ठंडे इरादे निकल रहे थे इस जानपेन ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से यह कहा था उसे अपने साथ संभोग करने के लिए कहा था और वे स्वर्ग में बनी जोड़ी थे नानफेंग युक्सी अगर हम साथ साथ रहते हैं तो हम निश्चित रूप से किंवदंतियां बन जाएंगे जानपेन की जिद आदित्य की कल्पना से कहीं अधिक थी वास्तव में वह अधिक से अधिक चिड़चिड़े होते जा रहे थे और यह विशेष रूप से नानफेंग युक्सी की नज़र में घृणित था वह असाधारण रूप से उच्च श्रेणी की रक्तरेखा वाली महिला थी फिर भी यह जानपेन बार बार कहता रहा कि वह उसके साथ संबंध बनाना चाहता है बूम एक भयानक आभा निकली नानफिंग युक्सी अब वास्तव में गुस्से में थी इससे जान जानपेंग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई हालांकि वह जिद्दी था वह जानता था कि अमर उद्गम रैंकिंग में तीन रैंक वाले के खिलाफ जीतने का कोई तरीका नहीं था वह इतना ही कह सका चूंकि तुम अभी निर्णय नहीं लेना चाहते इसलिए तुम इसके बारे में सोचने में समय ले सकते हो पहले मैं अनुमति लेता हूं बोलने के बाद जान पेंग का सिलहू टिमटिमाता हुआ आगे बढ़ गया नानफिंग युक्सी की आभा में बेथाशा उतार चढ़ाव आया फिर उसने धीरे धीरे इसे वापस ले लिया हालांकि उसकी आंखों में अभी भी ठंडक का आभास हो रहा था वह आदमी वास्तव में दिलचस्प है जून मैंगचेन ने धीमी आवाज़ में कहा उसका मूल रूप एक सामान्य पक्षी राक्षस है और वह बेहद ज़िद्दी है अगर मुझे नहीं पता होता कि उसका जन्मजात स्वभाव हमेशा ऐसा ही था तो मैं उसे नहीं बख्शता नानफिंग युक्सी ने कहा इससे आदित्य के हावभाव झिलमिला उठे और वह नानफिंग युक्सी को देखकर मुस्कुराया किसने सोचा होगा कि ठंडी और घमंडी राजकुमारी नानफेंग इतनी दयालु हो सकती है नानफेंग युक्सी जम गई उसने हैरानी से आदित्य को देखा ऐसा कोई नहीं था जिसने कभी उससे इस तरह बात की हो शायद यह उसकी शीतलता के कारण था कि लोगों ने उसके करीब आने की हिम्मत नहीं की जो इस तथ्य की ओर ले गया कि कोई भी उसे कभी भी सही मायने में समझ नहीं पाया था चलो चलते हैं कई ऐसे हैं जो पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं आदित्य दूर से देखता रहा ठीक आगे कोई और नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच की खाई थी जिसकी दीवारें खून की धारियों से भरी थीं अभी एक सिलहूट को वहां खड़ा देखा जा सकता था और यह कोई और नहीं बल्कि अमर उद्गम रैंकिंग के शीर्ष रैंकर जी डोयांग थे बी जेड जेड एक सिलहूट उस अंतराल की ओर बढ़ गया लेकिन वह एक पल में वापस विस्फोट कर गया यह जान पेंग थी प्रभाव से वह बेरहमी से जमीन पर पटक दिया क्योंकि उसका चेहरा राख हो गया था इस रास्ते से निकलना नामुमकिन है जान पेंग ने कहा कोई और रास्ता होना चाहिए जिसमें हम प्रवेश कर सकें जेडाई दाओयान ने कुछ नहीं कहा वह चिंतन में खून की धार को घूरता रहा अब दूसरा रैंकर कहाँ था यदि वह पहले इस मार्ग से गुजरा होता तो वह इसे कैसे पूरा कर पाता क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे रैंकर ने अपने अविनाशी शरीर के अत्याचारी मांस का इस्तेमाल किया और जबरन उसमें घुस गया जी जिडाउयान ने चुपचाप अनुमान लगाया उस निर्मम आदमी ने वास्तव में ऐसा किया होगा बिना किसी विचार के आगे बढ़ते हुए इस तरह के शक्तिशाली रक्त प्रवाह के साथ एक प्रतिकर्षण बल क्षेत्र फेंकता है अगर कोई इसे बीच में सहन नहीं कर सकता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा आम लोगों के पास निश्चित रूप से इससे गुजरने का कोई रास्ता नहीं था सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत से इसे दरकिनार करना कठिन हो सकता है इसकी तुलना में जब इतने सारे लोगों की ताकत एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो यह सहज हो सकता है यह रक्त प्रवाह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और आप में से प्रत्येक को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है एक को समझो उसके बाद बस अपनी इच्छा को एक साथ प्रकट करो और हमें बिना किसी परेशानी के इससे गुजरने में सक्षम होना चाहिए भीड़ में से एक धीमी आवाज़ आई सभी ने अपने सिर को बाएं और दाएं घुमाया फिर भी कोई यह नहीं देख सका कि किसने बोला था हर कोई मदद नहीं कर सकता था लेकिन महसूस कर रहा था कि माहौल अब पहले से भी ज्यादा भयानक था क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ अंडरवर्ल्ड पर्वतों में अन्य अस्तित्व थे या इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए अगर कोई यहां के सभी रनों को अपने आप समझ सकता है तो वह बिना किसी समस्या के प्रवेश कर सकेगा जी डोयान ने कहा सभी की आंखें तेज से चमक उठी क्या दूसरा रैंकर ऐसा करने में सफल हुआ था हालांकि अगर ऐसा होता तो इसका मतलब था कि बहुत समय बर्बाद हो जाएगा अधोलोक पर्वत अपनी शक्ति को कम कर रहे थे और जब तक कोई शक्ति विनाशकारी प्रभाव का सामना नहीं कर सकता तब तक यह रणनीति निस्संदेह अत्यंत मूर्खतापूर्ण होगी निश्चित रूप से यदि आप इसे इस तरह से करना चाहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा पहले से सुस्त आवाज सुनाई दी जी दोयान मुस्कुराया तुम कौन हो क्या तुम केवल अपनी उपस्थिति को छिपाना जानते हो किसी ने जवाब नहीं दिया आवाज का कोई जवाब नहीं था जी दोयान ने अपनी निगाहें भीड़ की ओर घुमाई हर कोई बस संबंधित ऊर्जाओं में से एक को समझने की कोशिश करें जब तक हम सभी एक साथ काम करते हैं हम कम समय में रक्त प्रवाह को समझने में सक्षम होंगे और सफलतापूर्वक इस क्षेत्र से गुजरेंगे ठीक है उपस्थित विभिन्न प्रतिभाओं ने सिर हिलाया सौभाग्य से ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड पर्वतों में कदम रखा था यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर वे रक्त दौड़ को समझने के लिए मिलकर काम करें आदित्य ने फुसफुसाया आइए हम उन्हें भी समझने की पूरी कोशिश करें अब तक उसे पता नहीं था कि लिटिल रास्कल सफलतापूर्वक मार्ग से कैसे गुजरा था आदित्य ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी धारणा पत्थर की दीवारों की ओर बढ़ गई जिन पर खून के धब्बे खुदे हुए थे तुरंत ही अनेक प्रकार की शक्तियां इकट्ठी होकर रूप धारण कर उस पर बरसने लगीं आदित्य की इच्छा सीधे एक प्रकार पर बंद हो जाती है फिर उस ऊर्जा के वास्तविक इरादे को समझना शुरू कर दिया विभिन्न प्रतिभाएं क्रमशः ध्यान की स्थिति में थीं दीवारों पर रक्त के प्रवाह को समझने की कोशिश कर रही थीं धीरे धीरे रक्त की चमक मंद पड़ने लगती है प्रतिभाओं की सामूहिक शक्ति वास्तव में शक्तिशाली थी और एक घंटे बाद पूरी पत्थर की दीवार पूरी तरह से अपनी रोशनी खो चुकी थी जडाए दावयान ने अपनी आंखें खोली और गलियारे की ओर निकल पड़े उसके पीछे विभिन्न प्रतिभाओं ने बारीकी से पीछा किया जब आदित्य दीवारों के पास से गुजरे तो उनकी उंगली रन को ट्रेस किए बिना नहीं रह सकी और वह चुपचाप इस पर अचंभित हो गया किस तरह के चरित्र ने इन रनों को दीवारों पर उकेरा है उनके सामने अचानक विशालता का भाव महसूस किया जा सकता था आगे की ओर देखते ही सभी की निगाहें जम गईं उनके सामने पूरी तरह से अलग आभा वाले दो स्थान थे एक अंधेरा भयानक और ठंडा था शैतानों से भरे अंडरवर्ल्ड की तरह जिसमें प्रभुत्व की भावना थी दूसरा इसका कुल विपरीत था वहां से निकली तेज रोशनी ऐसा प्रतीत होता है कि सभी अंधेरे को दूर करने में सक्षम है इससे निकलने वाली आभा दुनिया के राजाओं और सम्राटों से संबंधित न्याय की क्यूई की तरह अतुलनीय पवित्रता की भावना से भरी हुई थी अज्ञात वर्षों के लिए ये दो पूरी तरह से अलग आभा अगलगल मौजूद थीं बी जेड जेड इस समय एक गैरोने वाली आकृति अचानक प्रकट हुई दुनिया में एक अद्वितीय आभा बिखेरते हुए आकृति आकस्मिक रूप से वहां खड़ी थी गलत यह अंदर जाने का रास्ता नहीं है उस आकृति से एक आवाज निकली आकृति ने तब अपनी आंखें खोली और जी दोयांग को देखा जो प्रमुख थे उस आकृति की आंखें एक खाली गुफानुमा छेद की तरह थीं मृतकों की आंखों के समान एक नज़र सीधे भीतर डूबा देती है उस आकृति से निकलने वाला दबाव स्वर्गीय शक्ति की तरह महसूस हुआ ऐसा लगा कि वह आकृति उन सभी को बस एक नज़र से मारने में सक्षम थी वी जेड जेड हवा का झोंका आया और आकृति सीधे जेडाई दावयान के सामने आ गई आप सभी ने नियम तोड़े हैं सीनियर जी डौयान बोलना चाहता था लेकिन आकृति पहले से ही अपना हाथ बढ़ा रही थी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी कि नंगी आंखें उसकी गति का अनुसरण नहीं कर सकती थीं जडाई दावयान को गर्दन से पकड़ लिया गया और हवा में उठा लिया गया इस दृश्य ने सभी के दिलों में सिहरन पैदा कर दी उन्हें जो दबाव महसूस हुआ वह इतना दमघोंटू था कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे जी डाओयांग वह वायलेट सम्राट का बेटा था जिसे अमर उद्गम रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा गया था फिर भी अब हवा में कोई उसे गले से लगा रहा था ऐसा लगा कि वह आकृति सिर्फ एक विचार से उसकी जान ले सकती है उपस्थित विभिन्न प्रतिभाएं सभी अतुलनीय रूप से घबराई हुई थीं ग्रेरोए हुए बूढ़े व्यक्ति ने जी डाओयांग को देखा उसकी खाली आंखें जी डाओयांग के सभी विचारों को भेदने में सक्षम थीं बूमट जी दोयान के शरीर से एक आवाज़ निकली सर आप कौन हो सकते हैं यह जी दोयान की आवाज़ नहीं है सभी के चेहरे सख्त हो गए वायलेट सम्राट यह वायलेट सम्राट होना चाहिए दूसर लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति की आंखें जी दोयान को घूरती रहीं और जडाए दावयान की आंखों के भीतर वायलेट सम्राट का सिलहूट अचानक प्रकट हुआ मैं कौन हूं और तुम कौन हो बूढ़े आदमी ने अभी भी जी दोयान पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी उनकी आवाज में एक पुरातन विभक्ति भरी हुई थी मानो समय के उतार चढ़ाव का अनुभव करने के बाद वह पहले ही अपनी पहचान भूल गए हों सब कुछ भूल गए हों यह सीट वायलेट सम्राट है मेरा बेटा यहाँ प्राचीन सम्राटों के शहर में खुद को संयमित करने के लिए है और मुझे आशा है कि सर उसे दया दिखाने में सक्षम होंगे वायलेट सम्राट की आवाज निकली दूसर वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं और वह मंद स्वर में बोला वायलेट सम्राट तुम्हारी ताकत सभ्य है क्या मैं तुम्हारे बेटे को बख्श दूं यह ऐसा था जैसे वह खुद से बात कर रहा हो जी डोयान से एक भयानक आभा निकली लेकिन बेरोए हुए बूढ़े व्यक्ति की हथेली असीम शक्ति के साथ आगे बढ़ी उन्होंने वायलेट सम्राट के छायाचित्र को देखा क्या तुम मेरा विरोध कर रहे हो इसे भूल जाओ क्योंकि तुम्हारे बेटे को इस जगह आने का सौभाग्य मिला है मैं उसे बिना नुकसान पहुंचाए जाने दूंगा उसके बोलने के बाद उसने जी डोयान को अपने सामने कुछ दूर फेंक दिया इस दृश्य को देखकर सभी का दिल दहल उठा इस बूढ़े व्यक्ति के सामने जी दोयांग को एक तरफ छोड़कर उसने वायलेट सम्राट की परवाह भी नहीं की थी लेकिन निश्चित रूप से चूंकि यह रहस्यमय बूढ़ा आदमी सब कुछ भूल गया लगता है वह शायद यह भी नहीं जानता कि वायलेट सम्राट कौन है हालांकि यहां बूढ़े आदमी जैसा शक्तिशाली अस्तित्व क्यों था उसका उद्देश्य क्या था इस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने फिर अपनी निगाहें विभिन्न प्रतिभाओं पर घुमाई उसकी खाली आंखें बारी बारी से सभी की निगाहों को भेद रही थीं मानो वह सब कुछ देख रही हो बहुत कमजोर हैं इतनी कमजोरियां क्यों हैं आप सभी के यहां आने का क्या फायदा बूढ़े ने आह भरी उपस्थित सभी प्रतिभाएं अवाक थीं। प्राचीन सम्राटों के शहर की प्रतिभाओं को वास्तव में इस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति द्वारा कमजोर करार दिया गया था उस स्थिति में किस प्रकार का चरित्र इतना प्रतिभाशाली होगा कि उसकी आंखों में एक प्रतिभा के रूप में देखा जा सके भूल जाओ भूल जाओ भाग्य पर छोड़ दो रहस्यमय बूढ़े ने फिर आह भरी उसके बाद वह हवा के माध्यम से उड़ गया और राजाओं और सम्राटों की शुद्ध आभा बिखेरने वाले स्थान पर अपनी उंगली सीधी कर दी एक पल बाद में उसका सिलहूट टिमटिमाता हुआ जैसे ही वह सीधे गायब हो गया भीड़ में कोई नहीं देख सका कि वह कैसे चला गया उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि वे उनका बिल्कुल भी पीछा नहीं कर सकते थे कितना पुराना संखी है जून मैंगचेन ने राहत की सांस लेने से पहले धीमी आवाज में बड़बड़ाया लेकिन जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ गई उसे अचानक एक भयानक दबाव महसूस हुआ जो उसके ऊपर उबाऊ हो गया था जून मैंगचेंद की अभिव्यक्ति कठोर हो गई जिसके बाद उन्होंने केवल एक हाथ को आकाश से नीचे पहुंचते हुए देखा जो सीधे उन्हें ऊपर की ओर उठा रहा था मिंगचैन आदित्य का चेहरा एकदम से बदल गया वरिष्ठ दया दिखाओ इन कमजोरों में से तुम उनमें से एक माने जा सकते हो जो बहुत बुरे नहीं हैं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तुम भी आगे बढ़ सकते हो टॉस के साथ जून मैंगचेन सीधे दो अलग अलग आभा मंडल की दिशा में आगे बढ़े हाथ नजरों से ऐसे ओझल हो गया जैसे कभी दिखाई ही न दिया हो इस तरह की ताकत के कारण सभी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया दूसरा शब्द बोलने का साहस नहीं किया चल दर लोगों का समूह दो अलग अलग रंगों के प्रभा मंडल को घूरते हुए आगे बढ़ता रहा जो आसमान की ओर बढ़ा हुआ था प्रतिभाओं के मन में और भी सवाल उठे क्या यह वह जगह थी जहां ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट ने अपनी विरासत छोड़ी थी क्या ये दो स्थान दोनों दो पूरी तरह से अलग आभा बिखेर रहे थे जिन्हें प्राचीन सम्राट ने पीछे छोड़ दिया था या कोई और प्राचीन सम्राट था जिसने अपनी विरासत भी इसी स्थान पर छोड़ी थी अंत में भीड़ दो स्थानों के केंद्र में आ गई बाई और एक गुफा थी जो एक धूसर आभा बिखेरती थी दाई और एक गुफा थी जो राजाओं और सम्राटों के समान एक शुद्ध और बेदाग सुनहरे रंग की आभा बिखेरती थी जब वे केंद्र पर पहुंचे तो प्रतिभाएं हिचकिचाए बिना न रह सकी उन्हें कौन सी दिशा चुननी चाहिए छोटा बदमाश वहां पर है आदित्य ने ग्रे आभा के साथ गुफा को देखा प्राचीन सम्राट अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए पहले से ही इतने साल हो गए थे फिर भी यह शक्तिशाली आभा अभी भी अनथीन रूप से फैल रही थी यहां तक कि आसमान में भी शूटिंग कर रही थी यह ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट द्वारा छोड़ी गई विरासत होनी चाहिए जब वे बाई गुफा को देखते थे तो भीड़ बोलती थी ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट वध के देवता थे जिनके नाम ने पूरे अमर क्षेत्र को हिला दिया वह बेहद निर्दयी था और उसने एक ही युद्ध में कुल आठ अमर सम्राटों को मार डाला था वह कितना भयानक था उनकी आभा में निश्चित रूप से शीतलता और हत्या का इरादा था साथ ही सब कुछ नष्ट करने में सक्षम निरंकुश अत्याचार भी था यह बाईं ओर से निकलने वाली धूसर आभा के अनुरूप लग रहा था आप सभी किस दिशा में जाना चाहते हैं आदित्य ने पूछा किंग ने कुछ नहीं कहा वह स्वाभाविक रूप से आदित्य का अनुसरण करेगी हमें दोनों जगहों पर एक नजर डालनी है मेरी कोई प्राथमिकता नहीं है हुआ ताइक्सू ने शांति से उत्तर दिया मैं दाई ओर जाऊंगा मिंगचैन को वहां होना चाहिए जी किंग जुआन ने उत्तर दिया वह राजा और सम्राटों की शुद्ध सुनहरी आभा को महसूस कर सकती थी मैं सही गुफा पर भी एक नज़र डालना चाहता हूं नानफिंग युंगसी ने कहा ठीक है उस मामले में किंगेर और मैं बाई ओर चलेंगे जबकि तुम तीनों दाहिनी ओर चलोगे नानफिंग युक्सी अगर कोई परेशानी आती है तो उनका ख्याल रखना आदित्य ने कहा लिटिल रास्कल की स्थिति की जांच करने के लिए उन्हें बाईं ओर जाना पड़ा किंगर उसके साथ होगा और नानफिंग यूंगसी को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर उन पर हमला हुआ तो जी किंगक्सुआन और हुआ ताइक्सू की देखभाल कर सके ठीक है नानफिंग यूंसी ने सिर हिलाया जिसके बाद वे दो समूहों में अलग हो गए आदित्य और किंग रबाई गुफा की ओर चल पड़े दोनों दिशाओं में लोग जा रहे थे अधिक लोगों ने बाएं को चुना स्वाभाविक रूप से यह ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट के लालच के कारण था उनकी पौराणिक कहानियां बहुत ही चौंकाने वाली थीं आदित्य और किंगेर ने गुफा में प्रवेश किया यह गुफा स्वाभाविक रूप से आकाश द्वारा बनाई गई प्रतीत होती थी जबकि वर्तमान में जो आभा निकल रही थी वह बाद में बनाई गई थी जमीन पर चारों ओर हड्डियां और कंकाल बिछे हुए थे जिससे भीड़ के दिलों में घबराहट पैदा हो रही थी ऐसा लग रहा था कि इस जगह में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होगा और यहां तक कि जानलेवा खतरे की भी संभावना थी प्राचीन ताबूत इस समय लकड़ी के ताबूतों के साथ कुछ पत्थर के चबूतरे उनकी दृष्टि में आए ये ताबूत अद्वितीय सामग्रियों से निर्मित किए गए थे और हजारों वर्षों के बाद भी खराब नहीं हुए थे जी डोयांग वहां पर है भीड़ ने देखा था कि जी दोयांग गुफा के किनारे पालथी मारकर बैठे थे उनकी आंखें ध्यान में बंद प्रतीत हो रही थीं। उसके साथ क्या हो रहा है इन लकड़ी के ताबूतों में क्या है भीड़ और करीब आती गई एक क्षण बाद भीड़ में से एक व्यक्ति ताबूत की ओर बढ़ा और भीतर झांका आग अत्यंत दुख की चीख निकली वह व्यक्ति विस्फोटक रूप से पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा वह चीख घोर आतंक से भरी हुई थी जिससे सभी की निगाहें उस पर टिक गईं भीड़ में से अन्य प्रतिभावानों ने देखा कि अब उसकी आंखों से खून बह रहा था यह बेहद भयानक नजारा था क्या बकवास है ताबूत की ओर मुड़ते ही हर कोई जम गया उस गरीब आदमी के भाग्य ने अन्य प्रतिभाओं को अपने कदम बीच में ही रोक दिए उनमें एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी बूम सबका दिल कांप उठा ताबूत के भीतर से एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी और एक पल बाद एक जोड़ी हाथ उसके किनारों को पकड़ते हुए देखे जा सकते थे हाथों की यह जोड़ी हल्के सफ़ेद और पूरी तरह से रक्तहीन थी माहौल में गहमागहमी तेज हो गई क्योंकि हर कोई घबराहट महसूस करने लगा जिसके बाद जीनियस ने एक शव को ताबूत से ऊपर उठते देखा उस शरीर का मस्तक इधर उधर घूम गया जीनियस को घूर रहा था और ठीक एक पल बाद ही सभी को अपनी आंखों में जलन का दर्द महसूस हुआ उन्हें लगा जैसे उनकी आंखों को रक्तरंजित बाणों से छेदा जा रहा है जैसे उनके मन में एक शक्तिशाली इच्छा फूट पड़ी हो उन सभी को ऐसा लगा जैसे उन्हें खून की दुनिया में ले जाया गया हो क्योंकि उनके सामने एक भयानक आकृति थी जिसमें पूर्ण प्रभुत्व की हवा थी आकृति के हाथ में एक रक्तलाल भाला था और वह अब उन पर अपना निर्णय सुना रही थी आदित्य भी बाकियों जैसा ही था जब उस जोड़ी आंखों ने देखा तो उपस्थित सभी लोगों ने एक ही बात का अनुभव किया उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और ताबूत में आकृति को घूरने के बाद मुक्त संघर्ष किया यह एक अतुलनीय रूप से प्रभावशाली व्यक्ति था जैसे आकाश के नीचे एक अत्याचारी स्वामी अतुलनीय दिव्य शक्ति रखता था आठ ताबूत। आदित्य ने पाया कि इस गुफा में कुल आठ लकड़ी के ताबूत थे इसका मतलब यह था कि पहले प्रकट होने वाले के समान सात अन्य अस्तित्व थे स्वर्गीय सम्राट आदित्य के मन में एक भयानक विचार आया क्या ये आठ अस्तित्व आठ सर्वोच्च स्तरीय अमर सम्राटों के शरीर थे जिन्हें ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट ने अतीत में पराजित किया था उनके शरीर यहां ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट द्वारा रखे गए थे बूम बूम अन्य सात ताबूतों से आने वाली हलचल के रूप में भयानक आवाजें जारी रहीं जैसे ही सात शव खड़े होने के लिए उठे सात जोड़े भयानक सफ़ेद हाथ ताबूतों के किनारों पर दिखाई दिए जैसे ही उनकी आंखें खुली उन सभी में एक अलौकिक दिव्य शक्ति का संचार हुआ बैंड निकायों में से एक आगे बढ़ा और एक गड़गड़ाहट के साथ गुफा में जीनियस सभी को दंडवत तरीके से ज़मीन पर गिरा दिया गया यहां तक कि जी डोयान भी दबाव का विरोध नहीं कर सके हालांकि जीनियस के बीच आठ रैंकर बोन दानव दबाव के खिलाफ संघर्ष कर रहा था और उसने आगे रेंगने की पूरी कोशिश की उसकी नजर एक शव पर टिकी थी जिस शरीर को वह देख रहा था उससे अचानक एक चमकदार रोशनी निकली जैसे कि भीतर कोई रहस्यमय शक्ति हो कनिष्ठ पीढ़ी का अस्थिदानव पूर्वजों को अपना सम्मान देता है हड्डी दानव जमीन पर घुटने टेककर सम्मानपूर्वक एक शव को प्रणाम कर रहा था वह जिस आकृति को नमन कर रहा था वह काम उठी एक पल बाद एक हाथ शून्य से बाहर निकला सीधे बोन दानव को पकड़ लिया क्योंकि आकृति की खाली आंखें सीधे उसे घूर रही थीं पूर्वज मैं अस्थि जाति का एक कनिष्ठ सदस्य हूं आपका वंशज हड़बड़ी में पुकारे जाने पर अस्थि दानव का चेहरा आतंक से भर गया अस्थि दानव प्राचीन काल की अस्थि जाति से है ताबूत में आकृति वास्तव में उसके पूर्वज हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अमर सम्राट है उस समय ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट द्वारा पराजित आठ अमर सम्राट वास्तव में यहां लाए गए थे जगह उनके शरीर को नष्ट नहीं किया गया है और उन्हें इसके बजाय ताबूतों में रखा गया है किसी ने बुदबुदाया उसके शब्दों ने तुरंत अन्य प्रतिभाओं के चेहरे पर भय प्रकट कर दिया स्वर्गीय सम्राट आठ अमर सम्राट क्या वे सब सचमुच नष्ट हो गए हैं उस स्थिति में वास्तव में ये शरीर अब क्या थे क्या ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट ने उन्हें कठपुतली बना दिया यह सोचकर सभी का दिल बुरी तरह कांपने लगा अमर सम्राट कठपुतली यह फिर उन्होंने बोन रेस के पूर्वज को बोन दानव की ओर टकटकी लगाकर देखा उनकी आंखों में जरा भी इमोशंस नहीं थे क्या उसके पास अभी भी स्वयं की भावना थी बोम पूर्वज ने तुरंत उसे दूर फेंक दिया जिससे अस्थि दानव एक दीवार से जोर से टकरा गया बोन दानव की कई हड्डियां टूट जाने के कारण चटकने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं उसने अपना सिर उठाया और अपने पूर्वज की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा उनके पूर्वज एक सर्वोच्च स्तरीय अमर सम्राट वास्तव में ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट द्वारा कठपुतली में परिष्कृत किए गए थे ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट आप इतने निर्दयी हैं क्या आपकी विरासत वास्तव में यहां है अस्थि दानव ने अपनी आंखें गुफा की गहराइयों की ओर घुमाई विरासत ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत में किस प्रकार की विशेषता ऊर्जा है रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सभी प्राचीन सम्राटों में से केवल कुछ चुनिंदा लोग ही ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट के साथ समान रूप से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं वह गुण ऊर्जा कैसे हो सकती है क्या एक ही प्रकार तक सीमित रहने में कुशल था भीड़ के दिल दहल उठे यदि उन्होंने वास्तव में ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की वर्षा प्राप्त कर ली तो यह किस प्रकार का तूफान पैदा करेगा आठ अमर सम्राट ताबूतों से उठे सभी के दिल सदमे से भरे हुए थे लेकिन साथ ही उम्मीद से भी भरे हुए थे इसका मतलब यह था कि यह बहुत संभव था कि ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट ने अपनी विरासत को इस स्थान पर छोड़ दिया हो यदि नहीं तो वे आठ अमर सम्राट जिन्हें उसने अतीत में हराया था यहां कैसे हो सकते हैं बी जेड एक छायाचित्र चमका भूरे रंग का रहस्यमय बूढ़ा अब सीधे एक ताबूत के ऊपर खड़ा था आठ अमर सम्राटों पर उनकी निगाहें सख्ती से टिकी हुई थीं क्योंकि उन्होंने ठंडी आज्ञा दी थी नियम मत तोड़ो जैसे ही उनकी आवाज़ की आवाज़ फीकी पड़ी आठ अमर सम्राटों ने अपनी आभा को वापस ले लिया केवल दिव्य घटना के नौवें स्तर पर शक्ति को पीछे छोड़ दिया हालांकि ये अभी भी अमर सम्राट पात्र थे उनकी हड्डियों में उकेरा गया दंभीर रवैया दूसरों को उन्हें भय की दृष्टि से देखने के लिए पर्याप्त था वे अत्यंत शक्तिशाली थे वास्तव में यह रहस्यमय बूढ़ा कौन है प्रतिभाओं का हृदय सदमे से भर गया यह बूढ़ा नियम की बात करता रहा क्या वे ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट द्वारा निर्धारित नियम हो सकते हैं क्या ये आठ अमर सम्राट परीक्षा थे जिन्हें उन्हें विरासत प्राप्त करने के लिए पार करना पड़ा था आदित्य ने उस रहस्यमयी धूसर लबादे वाले बूढ़े को देखा उसके जैसा कोई व्यक्ति जो अपनी यादों को खो चुका है इस बात पर जोर क्यों देगा कि वे कथित नियमों को नहीं तोड़ेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अस्तित्व का कारण इस स्थान की रखवाली करना था क्या इस बूढ़े व्यक्ति का ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट से कोई संबंध था रहस्यमय बूढ़े आदमी के पैर हिल गए प्रतिभाव ने केवल एक भूरे रंग के सिलहूट को झिलमिलाते देखा और फिर बूढ़ा आदमी दृष्टि से गायब हो गया वह आया और बिना किसी निशान के चला गया बूढ़े के चले जाने के बाद सभी ने आठ अमर सम्राटों की ओर मुड़कर देखा उन सभी ने अपनी आभा बिखेरी और गुफा के भीतर कई नक्षत्र दिखाई दिए भयानक रोशनी से आदित्य की हथेलियां झिलमिला रही थीं यह स्वाभाविक रूप से कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर का हाथ था किंगेर के आसपास तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किए जा सकते हैं उसकी स्थानिक ऊर्जा की चमक ने आदित्य और खुद को ढक लिया चलो चलते हैं किंगेर ने धीमी आवाज़ में कहा जिसके बाद स्थानिक चमक तेज़ हो गई क्योंकि वह और आदित्य तुरंत उस स्थान से गायब हो गए सीधे एक मार्ग से दूर टेलीपोर्टिंग कर रहे थे जो गुफ़ा की आंतरिक गहराई की ओर जाता था अचानक उनकी आंखों के सामने एक भयावह रूप से विशाल सुनहरी हथेली दिखाई दी जिसने उन्हें टेलीपोर्टेशन स्पेस से बाहर कर दिया किंगेर और आदित्य दोनों ने एक साथ अपना बचाव किया शून्य मुट्ठी जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थी साथ ही साथ भगवान के हाथ से किए गए हमले दोनों बेहद भयानक थे हालांकि सुनहरी हथेली में पटकने के बाद प्रभाव पर उनकी शक्तियों को जबरन बेअसर कर दिया गया वह हथेली की छाप अविनाशी लग रही थी और अंथीम रूप से ढेर हो गई थी आदित्य और किंगेर दोनों को पीछे की ओर विस्फोट के रूप में गड़गड़ाहट की तेज आवाज़ सुनाई दी जब वे होश में आए तो उन्होंने एक अमर सम्राट को देखा जो एक सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था अपने शरीर से मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था उन सभी को रोक रहा था जो वहां से गुजरना चाहते थे सावधान उस पल में आदित्य ने पाया कि अन्य अमर सम्राटों ने उन पर ध्यान दिया था एक पल बाद में हड्डी जाति के पूर्वज ने अपनी बाहों को फैलाया उन्हें प्रतिबंधित करने का इरादा रखते हुए उनके हमले में असीम ताकत थी आदित्य ने अपनी अमर युद्ध कला को सक्रिय किया और एक भयानक रक्तरंग की हथेली की छाप को नष्ट कर दिया हालांकि उन्होंने पाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी की भुजाएं इतनी कोमल और लचीली हो गई थीं मानो उनमें हड्डियां ही नहीं थीं जिस क्षण यह भगवान के हाथ से टकराया यह आदित्य की ओर अपने पथ पर चलते हुए इधर उधर फुदक फुदक कर बहुत सारी शक्ति को नकारने में सक्षम हो गया इसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से अनावश्यक थीं आदित्य केवल अपनी बाई हथेली को ऊपर उठा सके और दूसरे हमले को पटक दिया एक विस्फोटक उछाल की आवाज आई और आदित्य को पीछे की ओर धकेल दिया गया जिससे किंगेर में चोट लग गई किंगर ने जल्दी से अपनी स्थानिक ऊर्जा को उजागर किया और उन्हें वापस उनके मूल स्थान पर भेज दिया भले ही इन प्राचीन सम्राटों ने अपनी शक्ति को आकाशीय घटना क्षेत्र के नौवे स्तर के शिखर तक सीमित रखा हो उनकी युद्ध क्षमता बहुत अत्याचारी है हमारे लिए आमने सामने खड़े होना लगभग असंभव है हमें अवश्य ही अगर हम जीतने का मौका चाहते हैं तो सभी एकजुट हों और इन आठ सम्राटों का एक साथ सामना करें प्रतिभाओं में से एक को बुलाया गया जीनियस ने देखा कि आठ सम्राट उनकी ओर चल रहे थे और समूह उनके द्वारा छोड़े गए भारी दबाव को महसूस कर सकता था संख्या में श्रेष्ठ होने के बावजूद उन्हें अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं था कि वे इस परीक्षा को पास कर पाएंगे प्राचीन सम्राट अपनी खोखली आंखों से भीड़ की ओर चल पड़े उनमें से प्राचीन सम्राट जो सबसे पहले उठे थे आदित्य पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए थे यह ऐसा था जैसे उसे लगा हो कि आदित्य और किंगर जानबूझकर गुफा के अंदर उस गलियारे में टेलीपोर्टिंग करके उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे प्राचीन सम्राट की भयानक आंखें आदित्य की इच्छा से भेद गई उस क्षण आदित्य को ऐसा लगा जैसे वह एक बार फिर रक्त की दुनिया में प्रकट हो गया हो सम्राट के हाथों में एक रक्तलाल भाला था और सीधे उसकी ओर वार किया यह एक सर्वनाश के फैसले की तरह लगा धाड़ में जाओ आदित्य का शरीर भयंकर लपटों से प्रज्वलित हो गया और उसके चारों ओर असीम रोशनी फैल गई उसके शरीर के विस्तार के रूप में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं, जिसमें असीम शक्ति थी हर कोई इस बार हमारी संख्या उन लोगों से कहीं अधिक है जो पहले आए थे अगर हम इन आठ कठपुतलियों को हराने और गुफा की गहराई तक जाने के इस मौके को नहीं लेते हैं तो हमें भविष्य में ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा आदित्य चिल्लाया उसके बाद वह बाहर निकल गया क्योंकि उसकी पीठ के पीछे पंखों की एक जोड़ी बन गई थी अपने भगवान के हाथ से विस्फोट करते हुए एक विशाल ताड़ के निशान ने आकाश को मिटा दिया जो उसके सामने सभी को नष्ट करने में सक्षम था उस प्राचीन सम्राट की आंखों की रोशनी और भी भयानक हो गई जिससे आदित्य को अपनी ही आंखों में तेज दर्द होने लगा खून के भ्रम ने भौतिक रूप ले लिया युद्ध के भाले लहराते हुए और आदित्य की विशाल हथेली की ओर छुरा घोंपा प्राचीन सम्राट स्वयं लाल बत्ती की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो आगे निकल गई उसकी निगाहें अभी भी आदित्य पर टिकी थीं। मानो वह आदित्य को उस भ्रमलात्कार में गिराने के लिए दृढ़ था जिसे उसने अपनी आंखों की तकनीक से बनाया था भयानक रक्त भंवर प्रकट हुए आदित्य को अपने में खींचने का प्रयास किया आदित्य का चेहरा एकदम से बदल गया उन्होंने पाया कि यह हमला भ्रमलात्कार के भीतर से नहीं आया था बल्कि वास्तव में हुआ था आदित्य की ओर दौड़ती रक्त श्रृंखलाओं के रूप में तेज आवाज़ें निकली जो उसकी हरकतों को बांधकर भंवर में घसीटने का इरादा रखती थीं। एक लंबा भाला समान रूप से उसके भगवान के हाथ से निकला और उसके दोनों रक्त रेखाओं की शक्ति भाले में घुस गई और उसमें प्रवेश कर गई उसकी हरकतें हवा के झोंके की तरह थीं बिजली की तरह तेज सीधे प्राचीन सम्राट की ओर छुरा घोमपति हुई हालांकि उन्होंने केवल अधिक से अधिक रक्तडाकू दिखाई दिए उन सभी ने उनके हमले को रोक दिया शी आदित्य की भाला तकनीक बहुत तेज थी और एक मामूली गति के साथ उसने प्रकट होने वाले भ्रमपूर्ण शरीरों से बने रक्तक्लोन में वार किया उस रक्त क्लोन को उसकी भयानक रक्तरेखा शक्ति और इसकी जबरदस्त ताकत से तबाह कर दिया गया था इससे पहले कि यह शून्य में फैल गया एक प्राचीन सम्राट के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ते हुए आदित्य को पूरी एकाग्रता में देखकर किंगेर का चेहरा बेहद ठंडा हो गया उससे निकलने वाली स्थानिक ऊर्जा अनगिनत हथियारों में तब्दील हो गई हवा में उन्मादी नृत्य कर रही थी उसके गुंजायमान होने से पहले पूरे अंतरिक्ष के रूप में एक सुनहरी रोशनी ने उसके नाजुक फ्रेम को ढक दिया आदित्य की सहायता करने के अपने प्रयास में अमर हत्या आरेख प्रकट करते हुए उसने अपनी हथेलियों से विस्फोट किया हालांकि एक और अमर सम्राट आगे बढ़ा और उसे रोकने के लिए हमला किया किंगर तुम पीछे रहो एक और आवाज अचानक निकली यह कोई और नहीं बल्कि जी डोयान थे उनका तारामंडल एक स्वर्गीय शक्ति के रूप में उतरा था एक चमकदार दिव्य चमक एक दिव्यता के सिलहूट में परिवर्तित हो गई और जब उस अमर सम्राट से ताड़ के हमले उतरे तो जी डोयान की ऊर्जा उस हमले को पूरी तरह से खा गई जिसके बाद उनका तारामंडल एक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट के रूप में चमक उठा जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया जब जैडाय दावयान ने अपना हमला किया तो प्रत्येक प्रहार की शक्ति प्राचीन सम्राट के बराबर थी यह बहुत भयानक था जेडाय दावयांग हर कदम के साथ पीछे हट गया किंगर को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया हालांकि अगले ही पल उसने किंगर को सीधे उसके पास से गुजरते हुए देखा वह आदित्य की मदद करना चाहती थी फिर भी यहजी दोयान उसे रुकने के लिए कह रहा था बैंग आगे एक भयानक विस्फोट हुआ आदित्य सामने आए हालांकि उसके कदम अस्थिर थे और उसके होठों के कोने से खून के निशान रिस रहे थे भगवान के हाथ की चमक भी काफी फीकी पड़ गई थी किंगेर का सिलहूट चमक उठा सीधे आदित्य के बगल में दिखाई दे रहा था उसकी स्पष्ट आंखें चिंता के निशान से भर गईं अन्य प्रतिभाओं ने भी प्राचीन सम्राटों के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की अस्थि दानव का सामना अपने ही पूर्वज से हो रहा था उन्होंने स्टील की विशेषताओं के साथ एक तांबे के शरीर और हड्डियों को प्रशिक्षित करने में कामयाबी हासिल की थी उसके पास असीम ताकत के साथ साथ अपनी बाहों को फैलाने और अपनी इच्छा से पीछे हटने की क्षमता थी जो अतुलनीय रूप से चालाक कोनों पर हमला करने में सक्षम था स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट था कि अस्थि दानव में एक प्राचीन सम्राट के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं थी उनके दो अन्य सहयोगी उनके साथ लड़ रहे थे जो रक्सु के पास एक भयानक व्प तारामंडल था और वह एक चाबुक चला रही थी जो भयानक रनिक लाइट से चमक रहा था उसकी कलाई का हर झटका उसके चाबुक से विनाशकारी विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करेगा यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह अमर उद्गम रैंकिंग में शीर्ष दस रैंकरों में स्थान पाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी कुन्नू का जन्म दैवीय स्तर की शक्ति के साथ हुआ था उसकी सुनहरी हथेलियां स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकती थीं शीर्ष दस में ये तीन रैंकर साथ साथ लड़ रहे थे फिर भी जाहिर है यह एक प्राचीन अमर सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए उनके हिस्से पर एक जोरदार प्रयास था झानपेंग जल्दी करो और मदद के लिए आओ शुरक्सियों ने साथ रैंकर पेंग पर चिल्लाया झान पेंग की आंखें झिलमिला उठी बिजली की तरह आगे निकली मैदान में शामिल हुई यदि यह जारी रहा तो संख्या में श्रेष्ठ होने के बावजूद वे अभी भी एक एक करके दबे रहेंगे बी जेड जेड यह अज्ञात था कि वह कौन था लेकिन किसी ने अमर हथियार निकाल लिया था जिस क्षण अमर का उदय हुआ सभी आठ अमर सम्राट एक चमकदार रोशनी से जगमगाने लगे उनमें से एक ने अमर शक्ति की दिशा में अपनी उंगली से वार किया क्योंकि चुभने वाली आवाजें लगातार निकल रही थीं कुल तीन प्रतिभाएं अपनी भावों के केंद्र से छेद कर सीधे जमीन पर पटकने से मर गईं उनमें अमर अस्त्र निकालने वाला व्यक्ति भी था हरामी जडाए दाओयान विस्फोटक गति से पीछे हट गया उसके चेहरे पर बेहद बदसूरत अभिव्यक्ति थी क्या वह मृत प्रतिभा उन सभी को मारने की कोशिश कर रही थी इन प्राचीन अमर सम्राटों ने अपनी आभा के बराबर अपनी शक्ति को प्रकट किया फिर भी उस व्यक्ति ने वास्तव में एक अमर हथियार निकालने का साहस किया क्या वह केवल मृत्यु को प्रणाम नहीं कर रहा था प्रतिभाओं के मरने के बाद अमर सम्राटों की आंखें एक बार फिर से टिमटिमा उठीन क्योंकि उनकी आभा घटकर दिव्य घटना क्षेत्र के शिखर पर वापस आ गई और जब स्थिति शांत हो गई तो आदित्य और किंगर अचानक गुफा की गहराई की ओर बढ़ते हुए गायब हो गए वही अमर सम्राट एक बार फिर प्रकट हुआ एक भयानक विशाल ताड़ के निशान के साथ उस क्षण आदित्य के भगवान का हाथ अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ गया जिसने उसे बाधित किया इससे पहले अन्य अमर सम्राटों ने केवल लापरवाही से देखा था लेकिन अब बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए आदित्य की ओर बढ़ते हुए उनके भाव सब बदल गए थे स्विश किंग रने अपने हाथों को लहराया जैसे ही अंतरिक्ष की दीवारें दिखाई दी एक सर्पिल में बदल गई जिसने उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया जबकि वह और आदित्य एक साथ आगे बढ़े असीम स्थानिक ऊर्जा उससे निकली एक देदीपमान चमक के रूप में आगे बढ़ी उसी समय उसकी आक्रमण शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थी आदित्य और किंगेर के पूर्ण शक्तिशाली हमलों के तहत यहां तक कि अमर सम्राट भी उनके सामने असहाय महसूस कर रहे थे उसने उन दोनों पर नज़र डाली और किनारे की ओर बढ़ गया वास्तव में उन्हें गुजरने की अनुमति दी बी जेड जेड वे दोनों तुरंत उसके पास से गुजरे गुफा की गहराई में प्रवेश किया चल दर यह दृश्य देखकर अन्य लोग भी धराशायी हो गए शक्ति का एक जबरदस्त तूफान इस स्थान पर बह गया क्योंकि प्रतिभाओं ने अपनी शक्ति को अपनी सीमा तक फैला दिया और जल्दबाजी करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा आदित्य और किंग रघुफाओं की गहराई में धंस गए और जैसा कि अपेक्षित था आठ अमर सम्राटों ने उनका पीछा नहीं किया वे वातावरण में व्याप्त प्राचीन और पुरातन आभा को महसूस करते हुए एक साथ आगे बढ़े अंत में आदित्य और किंगर रुक गए जब उन्होंने अपने सामने प्राचीन खंडहर देखे उनकी निगाहें आगे के दृश्य पर दृढ़ता से टिकी थीं उनके सामने एक भयानक आकाशों की मूर्ति थी मूर्ति एक अतुलनीय रूप से विशाल राक्षसी जानवर के समान थी जिसने एक अद्वितीय अत्याचारी आभा बिखेरी थी इसके कुल नौ सिर और नौ जोड़ी आंखें थीं प्रत्येक जोड़ी में एक अलग प्रकार की भयानक इच्छा शक्ति थी और प्रत्येक प्रकार की इच्छा में एक तीव्रता थी जो इस दुनिया में बेजोर स्वर्ग को हिला सकती थी जब कोई नौ संरेखित सिरों को देखता है तो वे स्पष्ट रूप से उस भयानक अत्याचार को महसूस कर सकते हैं जो पूर्ण प्रभुत्व की बात करता है जीवन में यह बिल्कुल अज्ञात था कि यह राक्षसी जानवर कितना भयानक था एक शरीर से नौ सिर निकले हुए हैं इसके अलावा इस राक्षसी जानवर और छोटे बदमाश के बीच समानता के निशान लग रहे थे क्या यह ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट है वह किम्बदंती जिसके नाम ने समय की नदियों के माध्यम से अमर लोगों को हिला दिया था क्या उसका असली शरीर एक राक्षसी जानवर का है ब्रह्मा स्वर्गीय दानव सम्राट आदित्य ने मन ही मन सोचा नौ प्रमुखों में से प्रत्येक के नीचे एक जटिल आरेख था जिसमें कुल मिलाकर नौ स्थान थे अभी दो आरेखों पर क्रमशः दो छायाचित्र बैठे हुए थे एक मानव और एक दानव वह राक्षस कोई और नहीं बल्कि छोटा बदमाश था जहां तक उस मानव का सवाल है वह एक युवक था जिसने एक अत्यंत दृक्षितन आभा बिखेर दी थी उनकी भाहें तलवार की तरह तेज़ थीं और हालांकि उनकी आंखें बंद थीं फिर भी उन्होंने तेज का एहसास दिया वृत्ति ने आदित्य को बताया कि यह युवक निश्चित रूप से एक अत्यंत खतरनाक चरित्र था अमर उद्गम रैंकिंग के दो रैंकर मोशी आदित्य धीरे से बुदबुदाया उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह आदमी कौन था यह अन्य प्रतिभाओं द्वारा वर्णित निर्मम चरित्र के अलावा और कोई नहीं था दो रैंकर वास्तव में अब से बहुत पहले आ चुका था इतना ही नहीं यहां तक पहुंचने के लिए वह अपने बल पर निर्भर थे उनके अनुभव निश्चित रूप से आदित्य की कल्पना से कहीं अधिक कठिन रहे होंगे क्या चल रहा है आदित्य दूसरे रेखाचित्रों को घूरता रहा नौ आरेखों में से कुछ ऐसे थे जो पहले से ही पूरी तरह से मंद थे रूनिक रेखाएं पहले ही फीकी पड़ चुकी थीं मोशी जिस डायग्राम पर बैठे थे उससे भी ज्यादा धुंधले थे मोशी यहां लंबे समय से हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत को लिटिल रास्कल से पहले ही समझ लिया होगा उस मामले में आरेखों से चमक का धुंधलापन उस समझ की डिग्री को इंगित करता है जिसे चुना गया है उन आरेखों के लिए जो पहले से ही पूरी तरह से मंद थे इसका मतलब यह होना चाहिए कि अन्य विशेषज्ञ भी होने चाहिए जिन्होंने पहले से ही उन्हें समझना समाप्त कर दिया है उस स्थिति में इसका मतलब है कि मोशी से पहले अन्य लोग भी थे जिन्होंने यहां प्रवेश किया था या वे सभी पूरी तरह से मंद थे अकेले मोशी द्वारा समझे गए डायग्राम आदित्य के दिल में कई सवाल उमड़ पड़े दो और खुली पोजीशन हैं जाओ और उनमें से एक ले लो किंगर ने आदित्य की ओर देखा उसकी आवाज़ मधुर थी और उसकी आंखों में प्रत्याशा के निशान देखे जा सकते थे इसने ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत होने की बहुत अधिक संभावना थी किंगर को स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि आदित्य इसे विरासत में भी हासिल कर पाएंगे आदित्य की आंखें छलक पड़ी उसने लिटिल रास्कल पर नजर डाली लेकिन उसी क्षण एक तेज रोशनी चमक उठी आदित्य ने देखा कि नन्हा बदमाश अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष कर रहा है इसने आदित्य को देखा और बोला ऐसा मत करो थोड़ा कमीने आदित्य ने पुकारा उसका चेहरा विस्मय से भर गया इस विरासत को नौ भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही हिस्से को समझ सकता है अमर क्षेत्र अमर सम्राटों के हैं और वे स्वर्ग के नीचे निर्विवाद रूप से शासन कर सकते हैं यदि कोई ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की संपूर्ण शक्ति को समझने की इच्छा रखता है तो वह इससे पहले कि वह सफल हो सके उसे पहले अन्य आठ उत्तराधिकारियों की शक्ति को नष्ट करना होगा विरासत के सभी नौ भागों को एक निकाय में इकट्ठा करना होगा लिटिल रास्कल ने समझाया इसकी आवाज अभी भी कुछ बचकानी थी लेकिन इसके बोले गए शब्दों में किसी को भी अत्याचार महसूस हो सकता था ये शब्द अवश्य ही ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट द्वारा छोड़े गए होंगे पहले अन्य आठ की शक्ति को भस्म करना पड़ता है जिससे विरासत के सभी नौ भाग एक ही शरीर में एकत्रित हो जाते हैं आदित्य की आंखें तेज से झिलमिला उठीं उसने लिटिल रास्कल की आंखों में आशा और याचना देखी जाहिर है छोटा बदमाश नहीं चाहता था कि वह ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की गुप्त कला को विकसित करे क्योंकि एक बार ऐसा करने के बाद अगर वह समझ को पूरा करना चाहता था तो वह और लिटिल रास्कल दुश्मन बन जाते ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट एक दानव सम्राट उन्होंने ताकत को सबसे महत्वपूर्ण चीज माना होगा कमजोर मजबूत के लिए भोजन है उन्होंने सभी नौ उत्तराधिकारियों के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का इरादा किया अन्य आठ की समझ को नष्ट कर दिया निस्संदेह शेष व्यक्ति सबसे भयानक अस्तित्व होगा आदित्य ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट के इरादों को कैसे नहीं समझ सका कितना निर्मम तरीका है अपने उत्तराधिकारियों को आपस में लड़ाने के लिए इस तथ्य की ओर ले जाता है कि केवल एक ही जीवित रहेगा इस मामले में भले ही उनके कुछ उत्तराधिकारियों की मृत्यु हो गई हो ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत अभी भी जीवित रहेगी यदि वह इसे केवल एक ही व्यक्ति को देता है तो विरासत के फिर से खो जाने की संभावना काफी अधिक होगी ठीक है मैं इसे नहीं समझूंगा आदित्य मुस्कुराया क्या आप यहां खतरे में होंगे अभी पहले से ही दो वारिस मौजूद थे एक बार दो रैंकर ने अपनी समझ समाप्त कर ली और यह महसूस करने पर कि लिटिल रास्कल भी नौ उत्तराधिकारियों में से एक है वह क्रूर आदमी निश्चित रूप से लिटिल रास्कल के खिलाफ कार्रवाई करेगा छोटे बदमाश ने सिर हिलाया जिसके बाद उन्होंने अपने पंजों से दबा दिया तुरंत चमकदार रोशनी के एक पिंजरे ने उसे अपने भीतर ढक लिया कई जटिल रेखाचित्रों से प्रकाश का पिंजरा बना था और इसे देखकर आदित्य ने अपने हृदय को शिथिल महसूस किया इस विशेष विरासत के लिए समझने की प्रक्रिया को जबरन बाधित करना किसी के लिए भी असंभव होगा बस इस समय उनके पीछे से तेज हवा की आवाज सुनाई दी आदित्य और किंगेर मुरे केवल कई विशेषज्ञों को भागते हुए देखने के लिए वे कोई और नहीं बल्कि वे जीनियस थे जिन्हें उन्होंने बाहर छोड़ दिया था इस दृश्य ने आदित्य की आंखों में एक अजीब सी झिलमिलाहट पैदा कर दी वे सब यहां क्यों थे यह देखते हुए कि आठ अमर सम्राट कितने शक्तिशाली थे उन्होंने वास्तव में इन सभी प्रतिभाओं को प्रवेश करने दिया एक भूरे रंग का छायाचित्र आया बूढ़ा आदमी सीधे हवा में खड़ा हो गया और उसकी निगाहें आदित्य और किंगेर पर पड़ी आप लोगों ने खुली स्थिति क्यों नहीं ली गैरोड़े वाले बूढ़े आदमी को बुदबुदाया आदित्य और किंगेर को अजीब तरह से घूरते हुए जैसे कि भ्रमित हो कि वे विरासत के लिए नहीं गए थे इस सीन ने आदित्य को कुछ समझा ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत के लिए केवल दो और खुले पद थे मोशी और लिटिल रास्कल से पहले उनसे पहले ही पांच लोग थे जिन्होंने विरासत को समझ लिया था उस स्थिति में उसके और किंगेर के दाहिनी ओर आने के बाद कोई और खुला स्थान नहीं होना चाहिए हालांकि ग्रेरोडे वाले बूढ़े आदमी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह और किंगर विरासत को समझने के लिए अंतिम दो खुले स्थानों को लेने की कोशिश नहीं करेंगे वरिष्ठ हमने स्वेच्छा से इसे छोड़ना चुना आदित्य ने उत्तर दिया इसे दो, इसे छोड़ छोड़ दो दो बूढ़ा अचंभे में था हालांकि उसकी आंखें अचानक एक भयानक रोशनी से चमक उठी स्विश एक प्रचंड हवा का झोंका आया और रहस्यमयी धूसल बादा वाला आदमी सीधे आदित्य के सामने दिखाई दिया केवल कुछ इंच की दूरी पर एक भयावह आभा उभरी जिससे आदित्य को दबाव का दमघोटू एहसास हुआ आपने वास्तव में इसे छोड़ दिया रहस्यमय बूढ़ा आदमी पूरी तरह से गुस्से में लग रहा था जैसे उसने एक कदम आगे बढ़ाया गड़गड़ाहट के साथ आदित्य का शरीर मूर्ति की ओर धंसा हुआ था हालांकि उसे तुरंत एक भयानक बल द्वारा रोक दिया गया था जब वह मूर्ति के पास गया तो एक अतुलनीय रूप से भारी दबाव का उत्सर्जन करते हुए एक रॉनिक लाइट स्क्रीन निकली जिसने उसे मूर्ति में पटकने से रोक दिया किंगर का चेहरा ठंडा पड़ गया था वह बूढ़े आदमी को रोकना चाहती थी लेकिन उसने केवल बूढ़े आदमी के सिलहूट को टिमटिमाते हुए देखा क्योंकि वह एक बार फिर आदित्य के सामने आया उसके वे नेत्र अत्यंत भयानक थे तुम दोनों वास्तव में इसे छोड़ना चाहते हो तुम इसे क्यों छोड़ना चाहते हो वरिष्ठ आदित्य ने लिटिल रास्कल की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरा साथी है आपको समझना चाहिए कि मैंने हार क्यों चुनी आपका साथी उस रहस्यमय बूढ़े ने आदित्य की ओर मुड़ने से पहले लिटिल रास्कल पर एक नज़र डाली जैसे कि वह अचानक कुछ समझ गया हो जिसके बाद उन्होंने आह भरते हुए कहा इसे भूल जाओ बस उन्हें आपस में लड़ने दो यह उनके भाग्य और भाग्य पर निर्भर करेगा कि अंत में कौन पूर्ण विरासत प्राप्त कर सकता है जैसे ही उसकी आवाज़ की आवाज़ फीकी पड़ी उसका सिलहूट टिमटिमा गया क्योंकि वह एक बार फिर गायब हो गया विरासत ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की राक्षसी मूर्ति को घूरते हुए सभी प्रतिभाओं की आंखें तेज से चमक उठीं उनकी आंखें दो प्रमुखों के नीचे दो खुली स्थितियों की ओर मुड़ गईं आरिखों को विरासत को समझने के लिए जगह होनी चाहिए अब चले आदित्य और किन्देर एक तरफ हो गए जिसके बाद गड़गड़ाहट गर की आवाजें गूंज उठीं जैसे कि ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगें हर चीज़ पर छा गईं जी डाओयांग की गति सबसे तेज थी वह गर्जना करते हुए तुरंत आरेखों में से एक की ओर बढ़ गया खो जाओ उसके क्रोध की गर्जना ने महान दाव की ध्वनि की तरह स्वर्ग को हिला दिया जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के दिल हिंसक रूप से कांपने लगे वह स्थिति मेरी है जान पेंग की गति भी अतुलनीय रूप से तेज थी उसकी टकटकी में जिद जल गई ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट एक राक्षस सम्राट था उस स्थिति में चाहे जो भी हो उसके पास कोई एक पद होना चाहिए वह और ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट दोनों राक्षसी जानवर थे बोम जी डाउयान ने मूर्ति द्वारा उत्पन्न दबाव को पीछे धकेल दिया क्योंकि उसकी आभा आसमान में उठ गई किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की उसके पीछे के अन्य लोग भी उन्मादी ढंग से आगे बढ़ गए थे हालांकि जब उन्होंने मूर्ति द्वारा उत्पन्न दबाव को महसूस किया तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक दलदल में कदम रखा हो एक कदम आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिर भी कोशिश करने और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की अस्थि दानव की भुजाएं फैली हुई थीं एक चमकदार चमक के साथ झिलमिलाती हुई दो प्रतिभाओं की पीठ पर पटकती हुई हमले से दो दुर्भाग्यशाली तुरंत मर गए वे अनजाने में पकड़े गए थे क्योंकि वे दबाव क्षेत्र का विरोध कर रहे थे शुरक्षु का दिव्य चाबुक तारामंडल अपनी सीमा तक फैला हुआ था एक लंबा चाबुक उसके हाथ में आया और क्रूरता से बाहर की ओर बह गया कर्कश कर्कश आवाजें अनथीन रूप से बाहर निकलीं और चाबुक की हर चोट में हड्डी के माध्यम से घुसने की पर्याप्त शक्ति थी जिससे उसके निशाने पर गहरे रक्तस्राव के घाव हो गए जहां तक अन्य प्रतिभाओं की बात है वे सभी एक उन्माद में हमला कर रहे थे चूंकि हर कोई दलदल जैसे दबाव वाले क्षेत्र से प्रभावित था इसलिए उन्हें हिलना डुलना बेहद कठिन लगा और वे एक दूसरे के हमलों को नकारने के लिए केवल मारपीट का आदान प्रदान कर सकते थे यह बेहद खतरनाक स्थिति थी पलक झपकते ही दस से अधिक प्रतिभाएं मर गई थीं या भारी रूप से घायल हो गए थे आदित्य और किंगेर दर्शक बन गए एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ने वाले विभिन्न प्रतिभाओं को घूरते हुए इससे पहले आठ अमर सम्राटों का सामना करते समय वे सभी एकजुट थे लेकिन जब सच्ची विरासत का सामना करना पड़ा तो वे तुरंत एक दूसरे पर पलट सकते थे सहयोगी जैसी कोई चीज ही नहीं थी इस समय एक चमकदार लाल सिलहूट लाल बिजली की तरह तेज चमक रहा था लाल सिलहूट भीड़ में धराशायी हो गया और सब कुछ जलाने के लिए पर्याप्त गर्मी के साथ एक भयानक क्रिमसन लॉ प्रज्वलित हुई इस सिलहूट ने उसकी उंगली को बाहर की ओर इशारा किया और तुरंत एक क्रिमसन लॉ ने बेथाशान नृत्य किया और एक दिव्य बूम में बदल गया कुछ ही क्षणों के बाद कई प्रतिभाओं को जलाकर मार डाला गया था नानफेन आदित्य की अभिव्यक्ति कठोर हो गई नानफेन युक्सी यहां क्यों थे इतना ही नहीं वह एक घातक आभा भी निकाल रही थी इससे पहले हालांकि नानफेन युंगसी की आभा बर्फ़ की तरह महसूस होती थी फिर भी यह उस शक्ति की तुलना में नहीं थी जो उसने अब छोड़ी थी आखिर उसे हुआ क्या था नानफेन युंगसी की आभा बेहद ठंडी थी हालांकि इसके बावजूद उसके चारों ओर भयानक दिव्य ज्वालाएं नहीं थीं अन्य प्रतिभाओं ने भी नानफेंग नानफे की उपस्थिति का पता लगाया था जैसे ही उनके हाव भाव बदले डर और घबराहट से भरकर वे अचानक मुड़ गए उनका आभामंडल बेथाशा आगे बढ़ा फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि नानफेंग युक्सी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उससे एक तेज प्रकाश निकलने लगा दीप्तिमान लपटें इतनी किरमिजी की वे रक्त के समान थीं और उनमें एक अजीब सी सुंदरता थी नानफेंग युंगसी ने फिर से अपनी उंगली आगे की ओर इशारा की शानदार क्रिमसन लपटे हवा के माध्यम से चली गई एक तेज तेज पंख का रूप ले लिया जो पूरी शक्ति के साथ कटा हुआ था एक प्रतिभा का हाथ काट दिया गया जबकि अन्य प्रतिभाओं ने उसके हमले को रोकने के प्रयास में एक साथ हमला किया जब यह सब चल रहा था तब कोई भी जडाए दावयांग को रोक नहीं रहा था और वह विरासत के लिए दो खुली स्थितियों में से एक के करीब और करीब आ रहा था ऐसा लगा जैसे यह पहले से ही निश्चित था कि अमर उद्गम रैंकिंग के शीर्ष रैंकर जी डॉयन निश्चित रूप से नौ उत्तराधिकारियों में से एक होंगे शेष प्रतिभाओं के लिए वे केवल शेष स्थान के लिए एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष और संघर्ष कर सकते थे नानफेंग युक्सी ने अपने तरीके से उसे मार डाला उसकी हरकतें संक्षिप्त थीं जिससे यहां के सभी प्रतिभावान लोगों को अत्यधिक खतरे का आभास हुआ अमर उद्गम रैंकिंग के सभी शीर्ष तीन रैंकर्स यहां थे उनमें से एक दो रैंकर पहले से ही अज्ञात समय के लिए अपनी स्थिति में सुरक्षित रूप से बैठा था सबसे अधिक संभावना है वह जल्द ही विरासत के अपने हिस्से को समझना समाप्त कर देगा और एक रैंकर जेडाय दावयान के एक स्थान हासिल करने के बाद तीन रैंकर नानफिंग युनक्सी के खिलाफ और कौन खड़ा हो सकता है आदित्य ने मुंह फेर लिया क्या वह वास्तव में नानफिंग युंगसी था नानफिंग आदित्य ने बुलाया और वह नानफिंग युक्सी की ओर बढ़ा किंगेर बारीकी से पीछे चल रहा है नानफिंग युक्सी वर्तमान में अन्य प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ रहे थे उन्हें बिना ब्रेक के मार रहे थे और उनके पास आदित्य से परेशान होने का समय नहीं था आदित्य और किंगेर जो सबसे पीछे थे बाकी सभी ने उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया इसके अलावा किंगेर की स्थानिक ऊर्जा ने उनके मार्ग का समर्थन किया उनमें से दो नानफिंग युक्सी के करीब और करीब आने में कामयाब रहे उची नानफिंग युक्सी ने अचानक अपनी आंखें उनकी ओर घुमाई सीधे एक और हमला किया वह अब आदित्य और किंगेर को निशाना बना रही थी उस समय जब आदित्य ने देखा कि उसकी आंखें अत्यधिक शीतलता से टिमटिमा रही हैं तो वह बता सकता है कि इसमें भावना की कोई चमक नहीं है जैसे जैसे उसने भीतर देखा आदित्य को एक और जोड़ी आंखें दिखाई दी जिसने उसे अपनेपन का एहसास कराया बैंड किंगेर और नानफेंग युक्सी के हमलों की ऊर्जा एक साथ टकराई यह आप है आदित्य को अचानक समझ आ गया कि उनके सामने वाला कौन है यह नानफेन यूंसी बिल्कुल नहीं था जब उन्होंने पहली बार अंडरवर्ल्ड पर्वतों में कदम रखा था तो यह वह महिला प्रेत थी जिसका सामना उन्होंने पहले किया था उसके पास एक रहस्यमय शक्ति थी दूसरों के शरीर को धारण करने की क्षमता अभी आदित्य को इस बात का बहुत गहरा एहसास था कि यह रहस्यमयी महिला वही है जिसके पास नानफिंग युक्सी है जो विरासत के लिए एक पद हासिल करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने का इरादा रखती है आदित्य को अचानक एक विचित्र विचार ने जकड़ लिया क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत के बारे में खबर लीक की थी वह कोई और नहीं बल्कि वह ही थी सभी प्रतिभाओं को इस अंडरवर्ल्ड पर्वत की ओर आकर्षित करना ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत को जब्त करने की साजिश रचना सभी संभावित सुरागों को ध्यान में रखते हुए केवल यह महिला प्रेत जैसा अस्तित्व ही खबर फैला सकता था मोशी अभी भी गहरी समझ में था उसके पास इस जगह को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था वह किसी और को कैसे सूचित कर सकता था किंगर मुझे उसके करीब जाने की जरूरत है आदित्य ने कहा किंगेर ने कुछ नहीं कहा वह सीधे एक शून्य मुट्ठी के साथ फट गई अंतरिक्ष को अलग कर रही थी नानफिंग युक्सी की ठंडी आंखें उसकी दिशा में मुड़ गईं और दूसरी उंगली से इशारा किया तुरंत उनके बीच का पूरा स्थान एक धधकती लाली से भर गया जैसे आग की लपटों के पंख उन्हें अलग करने के लिए अनथीन रूप से फिसल गए उसे रोकने के लिए जल्दी से हमले शुरू करो आदित्य अन्य प्रतिभाओं के लिए दहाड़ा हालांकि वे इससे कैसे परेशान हो सकते थे वे सभी आगे की शेष स्थिति की ओर दौड़ रहे थे उस तक पहुंचने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे थे जहां तक नानफेंग युंगसी की बात है वह अब विचलित हो गई थी और किंगेर और आदित्य ने उसे रोक लिया था वह विरासत हड़पने की उनकी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी इसलिए कोई भी उस पर हमला करने की जहमत नहीं उठाएगा यह देख आदित्य ठिठक गया वह जानता था कि इन लोगों पर भरोसा करना बेकार है लेकिन उसके पास नानफेंग यूंगसी को रखने वाली महिला प्रेत को विरासत को जब्त करने की अनुमति देने का कोई रास्ता नहीं था यदि इस रहस्यमय महिला ने विरासत प्राप्त की तो नानफेन यूंसी शायद अब नानफेन यूंसी नहीं रहेंगी विरासत की समझ हासिल करने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए वह रहस्यमय महिला निश्चित रूप से हमेशा के लिए अपने शरीर पर कब्जा कर लेगी सच्चा नान सिंह यूसी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और भविष्य में लिटिल रास्कल और वह विपरीत दिशा में खड़े दुश्मन होंगे यह कुछ ऐसा था जिसे आदित्य देखना नहीं चाहता था किंगर बस उसे देर करो आदित्य ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी अपनी हथेलियों से विस्फोट करते ही उसका शरीर फैल गया दमन की सुनहरी आकृतियां आसमान से उतरी नानफेन यूंगसी के चारों ओर गिरती हुई आगे बढ़ने के लिए उसका रास्ता काट रही थी नानफेन यूंगसी की आंखों में ठंडक हड्डियों को ठंडक देने वाली थी आदित्य को नफरत भरी नजरों से देख रही थी उन्होंने ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत प्राप्त करने के लिए सभी संभव तरीकों के बारे में सोचते हुए अपनी पूरी कोशिश की अब जबकि विरासत उसके ठीक सामने थी आदित्य ने उसे एक बार फिर खराब कर दिया था वह क्रोध और शत्रुता को कैसे महसूस नहीं कर सकती थी बस नानफेन युक्सी से लाल रंग की रोशनी का एक विशाल छल्ला फूट पड़ा जो आकाश और पृथ्वी पर फैल गया नानफेन युक्सी की रक्तरेखा शक्ति से भर रही थी क्योंकि उसकी पीठ के पीछे अतुलनीय रूप से दे पेमान फीनिक्स पंख बन गए थे एक शक्तिशाली गति के साथ उसके पंख आगे की ओर खिसक गए मानो इस पूरे स्थान को चीर देना चाहते हूं किंगर शांति से आने वाले हमले को देखती रही उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे उसकी दोनों हथेलियां एक उन्माद में फूट गईं हत्या आरेख को प्रकट करते हुए जो एक भंबर में तब्दील हो गया नानफेंग यूनसी के हमले में पूरी शक्ति निकल गई किंगर चलो चलते हैं आदित्य ने आगे देखा और यह देखकर कि स्थिति एक निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी उन्हें इस लड़ाई को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी यह रहस्यमय महिला विरासत प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी और वह निश्चित रूप से अपने मूल शरीर में वापस आ जाएगी उसके लिए नानफेन युनक्सी को अपने पास रखने का कोई अर्थ नहीं रह गया था इस रहस्यमयी महिला की अद्वितीय क्षमताओं को देखते हुए वह इतनी मज़बूत थी कि वह आसानी से नानफेन युक्सी जैसे व्यक्ति को अपने कब्जे में ले सकती थी मूल रूप से दिव्य घटना क्षेत्र में कोई भी उसके खिलाफ खड़े होने में सक्षम नहीं होगा केवल आदित्य ही अपनी रक्त रेखा की शक्ति से रहस्यमय मादा के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम था किंगर ने मुक्का मारा उसका इमार्टल स्लेन डायग्राम आगे की ओर शूटिंग कर रहा था क्योंकि उसने और आदित्य ने पीछे हटने का फैसला किया नानफेन युक्सी ने उनके हमले का बचाव किया लेकिन उनका पीछा करने की कोशिश नहीं की वह विरासत की स्थिति में वापस आ गई लेकिन जब उसने स्थिति देखी तो वह मदद नहीं कर सकी लेकिन पीला पड़ गया जडाई जडाएदावयान पहले ही सफल हो चुका था और जहां तक अंतिम खुले स्थान की बात है तो उसे राक्षसी पक्षी झानपेंग ने छीन लिया था जानपेंग का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था और बेहद दयनीय स्थिति में था इससे पहले कि वह वंशानुक्रम आरेख पर छलांग लगाता जो जूरुक्स्यू का कोड़ा उसके शरीर पर निर्दयता से वार करता भयानक लंबे चाबुक ने उसके मांस को चीर डाला गहरे खूनी घावों को पीछे छोड़ दिया हालांकि उसने दर्द की एक चीख भी नहीं निकाली और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ता के साथ वह अंतिम कदम उठाया हालांकि उनकी उत्पत्ति एक साधारण राक्षसी पक्षी प्रजाति की थी लेकिन उनके चरित्र के कुछ असाधारण पहलू थे आग नानफिंग युक्सी ने अतुलनीय गुस्से से भरी एक लंबी चीख निकाली उसके चेहरे पर क्रोध का रंग देखा जा सकता था और उसकी आंखों की वह तीखी शीतलता आसपास के प्रतिभावानों के दिलों में ठंडक पैदा कर रही थी उन्होंने अविश्वास में नानफेंग यूंगसी को देखा अमर उद्गम रैंकिंग का यह तीन रैंकर एक अविश्वसनीय रूप से भयानक दबा जारी कर रहा था उसका क्रोध उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों से भय का अनुभव करा सकता था हालांकि ऐसे कई अन्य लोग भी थे जिनके दिल भी इस परिणाम के लिए इनकार से भरे हुए थे और वे उस स्थिति की ओर बढ़ते रहे जो जान पेंग ने ली थी वे उन्हें आरेख से हटाना चाहते थे और उनकी जगह लेना चाहते थे लेकिन जैसे ही जान पेंग आरेख पर बैठे प्रकाश के एक पिंजरे ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया इन प्रतिभाओं के हमले उस बाधा से अवरुद्ध थे जान पेंग के लिए कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ थे इस दृश्य को देखकर जान पेंग की आंखों में जंगली उत्तेजना चमक उठी उसने आखिरकार इसे प्राप्त कर लिया अराजक लड़ाई के बीच आखिरकार उसे विरासत का एक हिस्सा मिल गया वह निश्चित रूप से अब से एक उल्का वृद्धि का आनंद लेगा आकाश के शासकों को मार डालेगा एक ऐसा अस्तित्व बन जाएगा जो देवताओं के पक्षियों को पार कर गया इसके बजाय आदित्य और किंगेर ने चुपचाप प्रस्थान करना चुना चूंकि लिटिल रास्कल का अपना सौभाग्य था इसलिए आदित्य ने स्वाभाविक रूप से अपने दिल की गहराई से उसके लिए अच्छे की कामना की हालांकि दुश्मन लिटिल रास्कल का जल्द ही सामना करेंगे वे सभी बेहद भयानक थे यहां केवल ये तीन लोग हैं सातवीं रैंक के झानपेंग दूसरे नंबर के मोशी और पहले रैंक के जी डाओयांग वे सभी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे इसके अलावा पांच और थे जिन्होंने इससे बहुत पहले ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की विरासत प्राप्त की थी कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे या उनके पास कौन से साधना स्तर थे वे दोनों गुफा में प्रवेश करने से पहले वापस क्षेत्र में लौट आए आठ अमर सम्राटों ने अब अपनी आभा नहीं छोड़ी और अपने लकड़ी के ताबूतों में लौट आए मानो वे कभी उठे ही नहीं थे स्वाभाविक रूप से आदित्य उनके विश्राम में विघ्न नहीं डालेंगे वह बाहर की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि वह रहस्यमय भूरे रंग का बूढ़ा व्यक्ति अपनी पीठ के साथ खड़ा था बूढ़े आदमी का यह अकेला दिखने वाला सिलहूट इस स्थान से निकलने वाली मौत की धूसर आभा से जुड़ा हुआ लग रहा था यह ऐसा था जैसे बूढ़ा इस जगह का सर्वोच्च शासक था यदि आदित्य ने व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट की मूर्ति को नहीं देखा होता तो वह शायद यह भी मान लेते कि यह बूढ़ा व्यक्ति स्वयं ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट था आदित्य की आंखें विस्मय से भर आईं यह रहस्यमय बूढ़ा वास्तव में कौन था सब कुछ समाप्त हो गया है ग्रेरोने वाला बूढ़ा बुदबुदाया विरासत के नौ पदों को अब उत्तराधिकारी मिल गया है मानो उनके जीवन का मिशन पूरा हो गया हो मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा अपने आप से बात कर रहा था और उसकी पीठ अभी भी आदित्य और किंगेर की ओर थी यह वह जगह है जहां ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट ने अपनी विरासत को छोड़ दिया था उन्होंने नौ उत्तराधिकारियों को एक दूसरे से लड़ने की इच्छा रखते हुए अपनी विरासत को नौ भागों में विभाजित किया एक बार विरासत के सभी नौ भागों को समझ लेने के बाद नौ उत्तराधिकारी इसे महसूस करेंगे वह बूढ़ा धीमी आवाज में जारी रहा उसने ठीक आगे देखा और उसने आगे इशारा करते हुए अपना हाथ बढ़ाया न केवल मैं ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट को याद करता हूँ मुझे यह भी याद है कि वह कौन था उस समय जब ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट के नाम ने अमर लोगों को हिला दिया उसने एक ही युद्ध में आठ अमर सम्राटों को मार डाला अत्याचारी रूप से उन सभी पर हावी हो गए जिन्होंने उन्हें चुनौती दी थी और उनमें से प्रत्येक को उनकी मृत्यु दे दी थी इस दुनिया में कौन उनसे डरता और सम्मान नहीं करता रहस्यमय भूरे रंग का बूढ़ा आदमी अधिक से अधिक उत्तेजित लग रहा था उसने दाई और दूसरे स्थान की ओर इशारा किया जो राजाओं और सम्राटों की शुद्ध सुनहरी आभा बिखेर रहा था जब उसने कहा केवल वह केवल वह ब्रह्मास्वर्गीय सम्राट के खिलाफ संघर्ष कर सकता था वह एक सच्चा सर्वोच्च चरित्र था उसने लड़ाई लड़ी अकेले ब्रह्मा स्वर्गीय सम्राट के खिलाफ़ और यहां तक कि उन्हें यहां कैद करने में भी कामयाब रहे ऐसा चरित्र अमर क्षेत्र के अस्तित्व की संपूर्णता में उनके जैसा कोई नहीं था